स्टार्ट करो ये टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दो कॉन्सेप्ट्स इसमें कंबाइंड यूज होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉर द सर्कुलर। ये दोनों को कंबाइंड में यूज करके देखेंगे, मतलब कोई इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है, दो टॉपिक्स का मर्ज कर दो आप। स्टार्ट करो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से, एक सेकेंड यार ये ना कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ यार, वो भी ठीक है, मतलब स्क्रीन विजिबल है, वॉइस भी आ रही है? यस सर। यस ठीक है, तो आप, यस ठीक है, तो आपकी फाइल दूसरी थी एक्चुअली, वो दूसरी फाइल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो हमें थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि थ्योरी कुछ है नहीं ज्यादा, देखो आई मीन न्यूमेरिकल्स ही है। तो इसमें गुड इवनिंग, इसमें ये क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को ना कॉन्स्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर वेरिएबल स्पीड नहीं लिया हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्कल पर तो है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड पर है, मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, एट कांस्टेंट स्पीड मेंटेन्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, किसी वजह से होगा। किसकी वजह से मेंटेन है उसमें भूल जाओ, उसमें नहीं जाना है। जिसने भी मेंटेन किया है, बस मेंटेन किया हुआ है, इसने स्पीड को मेंटेन कर रखा है। अब इसके अंदर क्या इक्वेशंस बनाओगे यार, क्या इक्वेशंस बनाएंगे? देखो क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो तीन पॉइंट्स पर टेंशन फोर्स निकालनी है। न्यूटन लॉ सर्कुलर मोशन का याद रखिएगा, बॉटम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटम पॉइंट पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे एंड बॉटम पॉइंट पर एमजी की डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाओगे। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, बिकॉज सर्कुलर मोशन चल रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, तो बॉटम पॉइंट की इक्वेशन तुम्हारी ये बन जाएगी, मतलब लोवेस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस आर, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब जाएंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एम जी नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाओगे। तो इस बार इक्वेशन बनाओगे टी प्लस एम जी टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन एट द टॉप पॉइंट, टेंशन एट टॉप पॉइंट प्लस एम जी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और स्ट्रिंग एट द हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर टेंशन फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड दिखानी होगी और एम जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें जो होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा, तो एक्सेलरेशन के पैरेलल सिर्फ टेंशन है, एम जी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स ये आपस में रिलेट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन ये बनेगी दैट टेंशन विल बी इक्वल टू एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाय सम वी स्क्वायर, ये करेंगे। मतलब जो भी फोर्स आपका सेंटर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से, जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंट स्पीड था, मतलब ये एग्जाम्पल हम लोगों ने चूज किया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल लेकर के। अब अगला एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वाला, इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, मतलब स्पीड भी वेरी कर रही है और टेंशन फोर्स भी वेरी कर रहा है इसमें हाइट के साथ साथ। तो इसमें बॉटम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो बॉटम पॉइंट है यहाँ से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। विद द स्पीड ऑफ यू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल दे रखी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम दे रखा है। क्वेश्चन को रीड करना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच्ड टू वन एंड ऑफ आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ऑफ लेंथ एल, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द पॉइंट सी, पार्टिकल इज गिवन स्पीड यू एट द लोवेस्ट पॉइंट सच दैट द पार्टिकल इज कम्प्लीटिंग द सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। नंबर वन पार्ट पे पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मोमेंट पार्टिकल रीचेस टू अ हाइट एच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको कैसे करोगे देखो आप, मतलब ये पार्टिकल अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एच हाइट पर, यानी यहाँ कहीं पर पहुंच जाए, मान ले अगर क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये पार्टिकल इससे एच हाइट ऊपर चला जाए अगर, नंबर वन पॉइंट इसमें क्या स्पीड होगी और नंबर टू पॉइंट इसमें क्या टेंशन फोर्स होगी। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एच डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एच डिस्टेंस ऊपर जाएंगे
तो स्टार्टिंग पॉइंट की एनर्जी और एच हाइट ऊपर जाने पर जो एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शनल फोर्स कुछ है नहीं यहाँ पर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा नहीं। और स्टार्टिंग वाली एनर्जी निकालने के लिए मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट मानूंगा, ताकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जीरो लिख सकूँ। सो स्टार्टिंग में जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक के फॉर्म में होगी, उसको लिखा जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। और एच हाइट ऊपर जाने के बाद, एच हाइट ऊपर जाने के बाद मान लेते हैं कि पार्टिकल में वी स्पीड आ गई, एच हाइट ऊपर जाने के बाद अगर इसमें वी स्पीड आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर लिखोगे हाफ एम ए वी स्क्वायर, और एच हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी एम जी एच। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेंगे, इससे वी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये आंसर आ जाएगा आपका पहला रिजल्ट, स्पीड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच डायरेक्टली। और टेंशन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन लॉ यूज करना होगा, टेंशन फोर्स वहीं से मिल सकता है, और कोई तरीका है नहीं। तो न्यूटन लॉ के लिए लगाने के लिए हम यहाँ पर टेंशन फोर्स को टुवर्ड्स सेंटर दिखाएंगे और एम जी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। सो टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एम जी डाउनवर्ड, और ये एंगल थीटा मान ले अगर, तो इसका एक सेपरेट डायग्राम दिखा दें अगर आपको, सेपरेट डायग्राम तो कुछ ऐसे बन रहा है यहाँ पर सर, टेंशन के ऑपोजिट एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब एम जी रिजॉल्व होगा, राइट, एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो एम जी, ये जो एम जी है इसको रिजॉल्व करेंगे इस लाइन के अलॉन्ग, जो सेंटर से लाइन आ रही है ना, कंपोनेंट ऑफ एम जी निकालना पड़ेगा तुमको सेंटर से, ये जो रेडियस वाली लाइन आ रही है इस रेडियस वाली लाइन के अलॉन्ग। तो लाइन अलॉन्ग द रेडियस पर एम जी का कंपोनेंट फाइंड कर रहा होगा, और अगर वो कंपोनेंट प्रॉपरली किए जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरफ एम जी का कॉस थीटा कंपोनेंट चला जाएगा टेंशन के अपोजिट साइड पर, और टेंशन के परपेंडिकुलर साइड पर एम जी इंटू साइन थीटा कंपोनेंट। हम लोग इंटरेस्टेड है सेंट्रिपिटल फोर्स में, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर वाले में, तो टुवर्ड्स सेंटर में कैपिटल टी और अवे फ्रॉम सेंटर में एम जी कॉस थीटा, इनको मिला करके लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर और आर की जगह लेंथ रख देंगे यहाँ। तो वी स्क्वायर जो फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, साथ में कॉस थीटा को भी सब्सटीट्यूट करना होगा आपको, कॉस थीटा को हाइट के फॉर्म में लाना है। तो अगर ये एच हाइट है तो हम कॉस थीटा को कैसे लाएंगे वो देखो, पार्टिकल से हम इस लेंथ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये हाइट हम लोगों ने एच मानी हुई है, सो दैट मीन्स कि ये रिमेनिंग पोर्शन हमारा एल माइनस एच हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा आपका, एक इस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें सेंटर से इस डॉटेड लाइन तक की डिस्टेंस एल माइनस एच, और ये एल और ये एंगल थीटा, यानी कि जो कॉस ऑफ थीटा है वो रिप्लेस हो जाएगा एल माइनस एच डिवाइडेड बाई एल से, जहां पर भी कॉस थीटा की वैल्यू बन रही है, तो उसको रिप्लेस करोगे एल माइनस एच डिवाइडेड बाई एल, वो रिप्लेसमेंट करें यहाँ पर कॉस थीटा का, और वी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करें। तो वी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट और कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट, ये दोनों रिप्लेसमेंट्स करने के बाद टेंशन की जो वैल्यू बन रही है वो सिंप्लीफाई करके बताएं कि क्या बनती है वी स्क्वायर और इसको रिप्लेस करने के बाद। तो एक बार अपने आप करो क्या बनेगा इसमें, जल्दी से बताएं मुझे भी कि दोनों रिप्लेसमेंट्स करने के बाद जो टेंशन आएगा वो हाइट के फॉर्म में कितना आएगा, इन टर्म्स ऑफ हाइट अगर निकालना हो। नॉर्मली थीटा के फॉर्म में बुक्स में मिलता है, हम लोग हाइट के फॉर्म में प्रेफर करते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इसको हाइट के फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई करो इसको, टेंशन की वैल्यू को कॉस थीटा को सब्सटीट्यूट करो एल माइनस एच डिवाइडेड बाई एल करके, और वी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच करके, एंड अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बनता है वो देख लेते। तो ये कुछ नहीं हो रहा तुम लोगों से सर, एम यू स्क्वायर mu square by l plus mg minus 2mgh upon l कुछ ऐसा आएगा, देखो लिख दे रहे हैं m by l आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ u square, ठीक है जी, minus 3gh and plus g into l, एक बार वेरीफाई कर लेना आप अपने लेवल पे। यस सर, ये आ रहा है टेंशन की वैल्यू हाइट के फॉर्म में। ठीक है, टेंशन और स्पीड हाइट के फॉर्म में निकाला है, मैं पर्सनली हाइट के फॉर्म में प्रेफर करता हूँ क्योंकि कई सारे एडवांटेजेस हैं इसके मेरे पास थीटा के अलावा। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट क्लियर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द स्पीड इज मिनिमम। तो ये ऑब्वियस है, देखो स्पीड का जो एक्सप्रेशन है वी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको v को मिनिमाइज करना है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट ना, सिंपल है क्योंकि ये माइनस टू जी एच है,
एच को मैक्सिमम रख देंगे। तो साहब देखो ना, एच जितना ज्यादा पुट करोगे, स्मॉल एच की वैल्यू जितनी ज्यादा करोगे माइनस टू जी एच उतना ज्यादा हो जाएगा, और माइनस टू अगर माइनस हो जाएगा ओवरऑल। तो सर H2L अगर रख दे तो हो जाएगा, बस उससे ज्यादा हाइट हो ही नहीं सकती। तो टॉप पॉइंट स्पीड इज मिनिमम, तो इसका आंसर है H इक्वल टू मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट रखो ना, मैक्सिमम हाइट कहाँ जा सकता है, टॉप पॉइंट, यानी टॉप पॉइंट पर मिनिमम स्पीड है इसकी। तो मैक्सिमम मिनिमम स्पीड आएगी जब H की वैल्यू 2L यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट है, और वैसे भी वहां पर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो जहां हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी वहां पर लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द स्पीड इज मिनिमम, आंसर इज एच इक्वल टू 2L, दैट इज टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पर मिनिमम स्पीड। सेकेंड पार्ट में टेंशन फोर्स कहां पर मिनिमम होगा, तो टेंशन 2L पे ही होगा। हां, टेंशन में भी 2L पे ही होगा, इसमें भी माइनस 3 जी एच है, माइनस एच है, मतलब माइनस एच का आने का मतलब सीधा सीधा है, देखो माइनस एच अपीयर हो रहा है ना, एच मैक्सिमम होना पड़ेगा। हाँ, तो एच मैक्सिमम कर दीजिए, टी मिनिमम हो जाएगा। सो इसका मतलब मिनिमम टेंशन इसमें भी टॉप पॉइंट पर आएगा एट 2L, मतलब कि टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पर मिनिमम टेंशन, मिनिमम स्पीड। ठीक है, ये मैंने डिस्कशन के लिए क्वेश्चन उठाया है, अभी आगे तो न्यूमेरिकल जब और करेंगे, तो ये सिर्फ आपको ये रियलाइज कराने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ मिनिमम स्पीड टॉप पॉइंट पर है और मिनिमम टेंशन भी टॉप पॉइंट पर ही है एक्सप्रेशंस के थ्रू, माइनस एच दोनों में है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर जीरो, कभी जीरो ना आए, मतलब ये जो वी स्क्वायर का फैक्टर है ये कभी जीरो ना होने पाए। सर ग्रेटर देन 2 जीएच होना चाहिए वैसे। हाँ, तो ये आ जाएगा, देखिए नेवर जीरो की बात कर रहे ना, तो एक बार बताओ मिनिमम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, मिनिमम स्पीड कैसे निकालोगे आप, मिनिमम स्पीड। अभी हम लोगों ने बी पार्ट में ये प्रूफ किया कि मिनिमम स्पीड के लिए h को 2l करेंगे, पर h को मैक्सिमम करना पड़ेगा सर। तो u स्क्वायर को 2gh अगर, तो u स्क्वायर 2gh बराबर होंगे तो हो जाएगी वो। हां, लेकिन मिनिमम मिनिमम h की जगह 2l, मिनिमम स्पीड निकालने के लिए h की जगह 2l जब करोगे तो ये रूट के अंदर -4gl आएगा, और वैसे भी मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती। यस सर, रियल रियल स्पीड इमेजिनरी तो होगा नहीं कभी, तो आप मैथ का ही कंसेप्ट लगा दो, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ऑब्वियस है यहाँ पर कि जो u है ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि u शुड बी मोर देन रूट ऑफ 4gl, अदरवाइज 2√gl, मतलब रूट 4gl लिखते हैं, जानबूझ करके इस फॉर्मेट पर लिख रहे हैं, जानबूझ करके लिखा है। ठीक है, और ई पार्ट कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नेवर जीरो, कभी ये जीरो हो पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिनिमम टेंशन फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम टेंशन कहां पर थी, टॉप पॉइंट पर थी, वो हम लोगों ने पार्ट सी में डिस्कस कर लिया था कि मिनिमम टेंशन टॉप पॉइंट पर है, और टेंशन का फॉर्मूला निकल चुका है, उसमें हम एच की जगह 2L कर देते हैं। टेंशन के इस फॉर्मूले में एच की जगह पर -5gl हो जाएगा। हाँ, एच की जगह 2L करो, टेंशन के इस रिजल्ट में एच की जगह 2L करेंगे तो आपको टी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो टी मिनिमम आएगा एम अपॉन एल रूट के अंदर यू स्क्वायर, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर, और -3g -5gl एच की जगह 2L और +gl, ये मिनिमम टेंशन है, और मुझे इसको जीरो नहीं होने देना, यानी इसको पॉजिटिव रखना है। You just greater than root of 5. बस ये कंसेप्ट लगाओ। 5g. टेंशन इन द स्ट्रिंग नेवर जीरो, तो अगर मिनिमम टेंशन जीरो नहीं हो रही है तो बाकी कोई भी टेंशन जीरो नहीं हो पाएगी, नेवर जीरो। मैथमेटिक्स में कोई भी फंक्शन जीरो ना हो तो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू फंक्शन की अगर पॉजिटिव है तो फिर बाकी सब वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी उसकी, जो एज लो एज पॉसिबल। अगर वही चीज पॉजिटिव है देन अदर वैल्यूज तो वैसे भी ज्यादा ही होंगी, मिनिमम वैल्यू से ज्यादा ही टेंशन मिलेगी आपको। तो मिनिमम टेंशन को पॉजिटिव करते ही आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, यू विल बी रूट मोर देन रूट ऑफ 5gl, करके देखिएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करके, मिनिमम टेंशन को पॉजिटिव करिए और यू की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 5gl से ज्यादा। और लास्ट पार्ट कहते हैं ना, लास्ट पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट पार्टिकल कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन पूरा होने की कंडीशंस। तो सर्कुलर मोशन पूरा होने की कंडीशंस क्या है, कि जो कंडीशंस डी और एफ है वो सेटिस्फाई हो जाए, कंडीशन डी और कंडीशन एफ अगर सेटिस्फाइड है तो सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। तो कंडीशन डी और कंडीशन एफ दोनों सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कंडीशन डी में ये कहा जा रहा है कि
u greater than root of 5gl right condition intersection ले लेंगे दोनों का हां पहले ये तो सुनो कि दोनों कंडीशन कही क्यों जा रही हैं ये क्यों आप कह रहे हो कि कंडीशन डी भी सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन सर क्योंकि अगर स्पीड जीरो होगी तो वो रोटेट ही नहीं करेगा और अगर टेंशन नहीं होगा तो वो स्लैब हो जाएगा राइट और टॉपिक के नाम में ही आंसर है सर्कुलर मोशन ठीक है तो मोशन तभी होगा जब बॉडी चलती रहे अदरवाइज वो रेस्ट हो गया ठीक है डी और ई सॉरी हाँ डी और ई कंडीशन डी और ई देखिए मिस्टेक हुई है सर्कुलर मोशन तो पहली बात तो मोशन होती रहे तो मोशन होने के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहे तो ये कंडीशन तो हमेशा आएगी ये कंडीशन है बॉडी मोशन में रहे रेस्ट पे ना आ जाए तो मोशन में रहने की कंडीशन है यू मोर देन रूट फोर जी एल और सर्किल में रहने की कंडीशन है रूट फाइव जी एल से बड़ी हो क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी स्ट्रिंग लूज हो जाएगी तो सेंटर और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस एल से रिड्यूस कर जाएगा और सर्किल के अंदर डेफिनेशन कहती है सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट सर्कुलर मोशन में मतलब इस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस अगर यहाँ पर एल है तो आगे भी ये डिस्टेंस एल रहे आगे भी ये डिस्टेंस एल रहे तो ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस तभी हो पाएगा जब स्ट्रिंग हर समय टाइट रहे और स्ट्रिंग हर समय टाइट रहने के लिए हम कहते हैं कि टेंशन फोर्स की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ये दो कंडीशन है मैं फिर बोल रहा हूँ U more than root 4GL मोशन को मेंटेन करने की कंडीशन है कि बॉडी चलती रहे और चलते चलते वो स्ट्रिंग टाइट ना हो स्ट्रिंग लूज ना हो उसके लिए दूसरी कंडीशन लगा रहे हो कि U more than root of 5GL अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो आप more than root 4GL और more than root 5GL का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हो जाएगा U should be more than root of 5GL यानी इसको बोलते हो कि ये मिनिमम स्पीड होती है जहां पर बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगी दोनों आंसर ध्यान रखना रूट फोर जी एल से बड़ी स्पीड कही जा रही है मोशन में बने रहने के लिए और रूट फाइव जी एल से बड़ी स्पीड कह रहे हैं स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए दोनों बातें हैं अब कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर देखिए पार्टिकल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड अब एक रुको बच्चा Particle of mass m is suspended by the string of length l. The particle is given a velocity so that it highlight करूँगा इस word को. It just completes the circular motion. क्या मतलब हुआ इसको? मतलब barely completes the circular motion हो रहा है एक तरीके से. It just completes circular motion. Means sir minimum velocity. यानी कि ऐसे में आप u को root 5 gl ही लेंगे फिर. Just complete का मतलब वैसे ही होगा ना जैसे 60 passing marks हैं 100 में से और just pass हुए तो आप ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने number आए मेरे. सर बट यू तो ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन सर ग्रेटर दैन इक्वल टू थोड़ी ना सुनिए तो ये बिल्कुल सही बात है रूट फाइव जी एल प्लस उससे ज्यादा होगा ना तो प्लस मैं उससे ज्यादा कर दे रहा हूँ उससे 0.0000000001 मतलब एकदम टेंडिंग टू रूट फाइव जी एल पर हाँ जी हो गया रूट फाइव जी एल से बड़ा हो गया ये सर नो सर वैसे भी अगर मान लीजिए रूट फाइव जेल लेते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा और चूंकि टेंशन जीरो के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो वेलोसिटी गेन करने के बाद वापस सर्कल में आ जाएगा फिर आ गया दोनों ही बातें हैं एक तो रूट फाइव जीएल पर भी होगा और अगर आप ये कहते हो कि नहीं रूट फाइव जीएल से बड़ा है तो बड़े में तो कोई लिमिट नहीं है ना बड़े में आप डेसिमल के बाद मिलियन जीरो लगा के आखिरी में वन लगा दो हो गया बड़ा सर और मोमेंटम की वजह से वापस स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी बाद में राइट राइट तो इसमें हम क्या करते हैं ना न्यूमेरिकली इस डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज का मतलब नहीं है कोई अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो उसको करिएगा रूट फाइव जी एल लेकर के ही जस्ट कम्प्लीट में भी रूट फाइव जी एल पे ही होता है और रूट फाइव जी एल पर भी प्रूफ करेंगे क्यों होता है इसी के लिए क्वेश्चन ये लिया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट तो आप दो ऑप्शन हैं बच्चा या तो फंडामेंटल पे चलो या टेंशन का ये रिजल्ट अपने माइंड में रखो एम अपॉन एल यू स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gl या तो ये रिजल्ट रखो अपने माइंड में So tension equals to m by l bracket में u square minus 3gh plus gl क्या आंसर आएगा देख लो आप ये रिजल्ट था हमारे पास minus 3gh plus gl अब लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालनी है तो इसका मतलब लोवेस्ट का मतलब h जीरो और अगर टॉप पॉइंट पर टेंशन निकालनी है मुझे तो h का मतलब 2l के बराबर कर दे अपने आप आंसर आ जाएगा और u square की जगह रखोगे 5gl तो u square 5gl h की वैल्यू जीरो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन आप सॉल्व करो substituting u as u as root 5 gl or h as 0 m by l into 4 gl
बच्चा 6 mg आएगा करके देखो 6 mg आ रहा है और टॉप पॉइंट का 0 आएगा 6 mg u स्क्वायर बन जाएगा यस सर वो ऐड हो जाएगा 6gl होगा और फिर कैंसिल होगा l लोवेस्ट पॉइंट h 0 टॉप पॉइंट h इक्वल्स टू 2l इधर प्लस gl है और u स्क्वायर अगर u रूट 5gl है तो u स्क्वायर आपका 5gl हो गया तो टॉप इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट पर 6 mg की टेंशन है और टॉप पॉइंट पर 0 की टेंशन हो गई लेकिन बॉडी ना वहां पर 0 टेंशन होने के बावजूद भी बॉडी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू कर जाएगी वहां पर यस सर है ना सर्कुलर मोशन स्टॉप नहीं होगा उसका टेंशन जीरो हो गया इसका यह मतलब नहीं कि बॉडी का सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा क्यों नहीं होगा देखो एक और काम करो ना स्पीड h इक्वल टू 0 यानी कि लोवेस्ट पॉइंट पर और स्पीड h इक्वल टू 2l यानी कि टॉप पॉइंट पर तो लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड तो ये रूट 5gl ही है स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट तो रूट 5gl है ही है और टॉप पॉइंट की स्पीड निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh यही फॉर्मूला लगाएंगे v का तो रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh ये फॉर्मूला लगाओ और टॉप पॉइंट के लिए h को 2l के बराबर h इक्वल टू 2l रखना है और u स्क्वायर की वैल्यू 5gl रखोगे तो बेसिकली ये रूट ऑफ gl के बराबर आ जाएगा टॉप पॉइंट की यानी कि बॉटम पॉइंट पर स्पीड की जो वैल्यू है स्पीड एट द बॉटम पॉइंट वो हो जाएगा रूट ऑफ 5gl और टॉप पॉइंट पर स्पीड बन रही है स्पीड एट टॉप पॉइंट यहाँ पर स्पीड रूट ऑफ जीएल यस सर वहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स एमजी से इक्वेट हो जाती है हाँ अब बॉटम पॉइंट पर टेंशन फोर्स लग रही है तो टेंशन फोर्स क्या लग रही है 6 mg और साथ में ग्रेविटी की फोर्स लग रही है mg टॉप पॉइंट पर जा करके टेंशन वाली फोर्स तो जीरो हो जाएगी लेकिन बॉडी का वेट तो तब भी लगेगा लग बॉडी का वेट तो लगेगा ना और वो वेट उस समय उसको सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है चेक करो जो W की वैल्यू है वो mv स्क्वायर बाय r से मैच कर रही है क्योंकि टॉप पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू रूट gl है तो अगर आप ये चेक करोगे कि टॉप पॉइंट पर mv स्क्वायर बाय r कितना है यस सर कर रही है तो mv स्क्वायर बाय r अगर मैं टॉप पॉइंट पर निकालूंगा तो m r की जगह l और v स्क्वायर टॉप पॉइंट पर स्पीड आई है रूट जीएल उसका स्क्वायर करेंगे तो जीएल एमजी यानी कि जो वेट है ये इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी ग्रेविटी की वजह से वो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखेगा अपना तो इसीलिए यू इक्वल टू रूट 5gl ही लेंगे आप जस्ट कंप्लीट होने के लिए जस्ट कंप्लीट के लिए ये भी नहीं कहेंगे कि इससे ज्यादा इक्वल टू रूट 5gl है तो भी हम सर्कुलर मोशन सस्टेन कर जाएंगे अच्छा इसमें फिर इन्होंने ये भी पूछा है एक बी पार्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होने पर क्या टेंशन आएगी तो भी हम यही करेंगे यार हॉरिजॉन्टल का मतलब एच कितना रखोगे एल स्ट्रिंग अगर हां एल सर एल 3mg आ गई तो 3mg आएगा सर बस रखते रहो दो ऑप्शंस हैं या तो आप फंडामेंटल समझ लो और उनके लिए भी है यहां पर सबके लिए कुछ ना कुछ है u इक्वल टू √5gl है तो u स्क्वायर हो गया 5gl आप चाहो तो सिर्फ h की वैल्यू रिप्लेस कर लो h इक्वल टू l कर दो और प्लस gl ये 3mg आ जाएगा मतलब बेसिकली कोई भी हाइट दे सकते हो आप किसी भी हाइट पर टेंशन निकाल सकते हो टेंशन एट एनी हाइट और इस वाले फॉर्मूले से स्पीड एट एनी हाइट और यही दो मेनली क्वेश्चन आएंगे इसमें किसी हाइट पर स्पीड निकालना और किसी हाइट पर टेंशन फोर्स निकालना और हाँ जी तो जब टेंशन जीरो हो जाते है और कोई भी पार्टिकल पैराबोलिक पाथ फॉलो करते है वो कब होगा कहाँ लिखा है बच्चा कहाँ लिखा है नहीं सर बाकी क्वेश्चन टेंशन जीरो नहीं होती सर तब वेट भी जीरो वेट करिए बच्चा वेट करिए कांसेप्ट सुनिए ठीक है सेम क्वेश्चन है अब इसमें कह रहे हैं ये कंसेप्ट प्रॉब्लम है मैंने पहले देखो आपको कंसेप्ट प्रॉब्लम का मतलब यहाँ से आप कुछ लर्न करोगे भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आएंगे सबसे पहले फाइंड द हाइट एट विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो हाइट तो स्पीड स्पीड जो था उसका जनरलाइज फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh तो किस हाइट पर ये वी जीरो होगा ये क्वेश्चन है फाइंड द हाइट एट विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा आप इसको वी को जीरो स्क्वायर बाय 2g हां मतलब यस सर यू स्क्वायर बाय 2gh भाई सिंपल जीरो करके आ जाएगा फिर पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ h व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो तो अभी टेंशन का भी फॉर्मूला निकाला गया था m by l times u square minus 3gh और plus gl तो ये वैल्यू जीरो कब आएगी
ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई। टेंशन को जीरो के बराबर कर देते हैं, टेंशन इक्वल्स टू जीरो, और जैसे ही टेंशन की वैल्यू को जीरो के बराबर करोगे तो एच की जो वैल्यू मिलेगी आपको टेंशन को जीरो करने के बाद, वो मिलेगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस जी एल डिवाइडेड बाय 3G करके देखो एक बार, मतलब अपने उस एक्सप्रेशन को जीरो करिए, टेंशन वाली एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर करके, मतलब टेंशन वाली एक्सप्रेशन है ना, ये सही है यार। ओके ओके, नाउ सी पार्ट कह रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ u फॉर व्हिच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स जीरो बिफोर द टेंशन बिकम्स जीरो। स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो बिफोर द टेंशन बिकम्स जीरो। देखिए कितनी हाइट पर स्पीड जीरो हो रही है, वो हाइट है यू स्क्वायर। सर तो हाइट्स में इनइक्वालिटी बन जाएगी। बिल्कुल, अगर हम ये चाहते हैं कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल टेंशन के जीरो होने से पहले जीरो हो जाए, तो हमने ये दोनों हाइट कैलकुलेट कर दी है कि कौन से हाइट पर स्पीड जीरो हो रही है और कौन से हाइट पर टेंशन जीरो हो रही है। अब अगर स्पीड को पहले जीरो होना है तो कौन सी हाइट छोटी होनी चाहिए इसमें से, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, और आपको ना एक रिजल्ट मिलेगा यू लेस देन रूट ऑफ टू जी एल, वेरीफाई करना अपने लेवल पर भी। आ रहा? Yes, sir. ठीक, यानी कि अगर u, इसका मतलब अगर u की वैल्यू रूट टू जी एल से छोटी है तो अपने आप समझो क्या होने वाला है। कंसेप्ट प्रॉब्लम मैंने क्यों नाम दिया है कि अगर पार्टिकल की स्पीड रूट टू जी एल से कम है तो इस सिचुएशन में पार्टिकल की स्पीड पहले जीरो हो जाएगी और टेंशन फोर्स बाद में जीरो होगी। हाँ प्रणव, यही है, समझ आ रहा आपको। सेकेंड पार्ट D, find the range of u for which tension in the string becomes zero before the speed of particle becomes zero. पहले दोनों equation को equate कर देंगे सर। Tension पहले zero हो जाए, मतलब यानी कि u square plus gl by 3g से inequality reverse हो जाएगी। मतलब कि u square plus g, नहीं बेटा reverse नहीं होगी, reverse होने के साथ एक और condition आएगी, u square plus gl by 3, अब की बार ये छोटा होना चाहिए u square by 2g से। Obviously inequality reverse कर जाएगी तो u का जो answer होगा वो मोर देन रूट टू जी एल होगा। ये तो ऑब्वियस है कि यू जो होगा वो रूट टू जी एल से बड़ा आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में एक और बात कही थी कि जब रूट फाइव लेस देन रूट फाइव जी एल होगा तो दूसरी कंडीशन में लगा रूट फाइव जी एल की, क्योंकि रूट फाइव जी एल कब निकाला था आपने, देखो रूट फाइव जी एल तब निकाला था कि टेंशन वॉज नेवर जीरो, स्पीड वॉज नेवर जीरो, तो ये करने के लिए यू की वैल्यू रूट फाइव जी एल से बड़ी हो जाएगी। समझे, सब कनेक्टेड टॉपिक्स लिए आज, तो हमको किसी एक को तो जीरो करना है ना, या तो स्पीड को जीरो करना है या टेंशन को जीरो करना है। और यहां पर जो सॉल्व किया था उसमें ये सॉल्व किया था कि ना तो स्पीड कभी जीरो हो और ना टेंशन कभी जीरो हो, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि यू की वैल्यू रूट फाइव जीएल से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें यू रूट फाइव जीएल से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि रूट फाइव जीएल से बड़ी वैल्यू अगर मैंने यू की कर दी तो ना तो स्पीड जीरो होगी ना टेंशन जीरो होगी, फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बचता है कि पहले क्या जीरो हो रहा है। जब दोनों में से कोई जीरो हो ही नहीं रहा है तो पहले और बाद की बात खत्म हो जाती है। यस सर। अब इगना जी, यू की ही रेंज आ रही है, एच के बेसिस पे ही आएगी ना यार, जो पहले जीरो होने का मतलब हम लोग दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, दो हाइट निकाल रहे हैं कि जब पार्टिकल यू स्क्वायर अपॉन टू जी की हाइट पर पहुंचेगा तो स्पीड जीरो होगी, और जब यू स्क्वायर प्लस जी एल अपॉन थ्री जी की हाइट पर पहुंचेंगे तो टेंशन जीरो होगी। अब जो हाइट पहले आ जाएगी, मतलब अगर यू स्क्वायर बाय टू जी, इसको न्यूमेरिकली समझो, आपसे कहा जाए कि ये 10 मीटर आ रहा है, ये 12 मीटर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है पहले तो पार्टिकल 10 मीटर पर पहुंचेगा ना, बाद में 12 मीटर पर पहुंचेगा, यानी पहले स्पीड जीरो हो जाएगी, टेंशन फोर्स तो बाद में जीरो होगी। तो ये तो देखना पड़ेगा कि हमको इनमें से छोटी हाइट कौन सी है, जो हाइट छोटी होगी वो इवेंट पहले हो जाएगा। एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बोथ बिकम्स जीरो एट द सेम पॉइंट, ये सो रूट टू जीएल
दोनों एक ही सेम पॉइंट पर जीरो हो जाएं एक ही साथ, ये तब होगा जब ये दोनों हाइट बराबर कर देंगे, तो इक्वेट करो उससे आंसर आ जाएगा यू इक्वल टू रूट टू जीएल। अब आप इस पूरे को क्लासिफाई कर सकते हो, क्या हुआ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था ये, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था कि आपको करवाने के लिए लिया है। अब आप समझो जब u की वैल्यू रूट टू जीएल से छोटी है तो सिचुएशन क्या बन रही है, u लेस देन रूट टू जीएल पर क्या सिचुएशन बनेगी। अब उल्टा बोलोगे इसको आप कि अगर u लेस देन रूट टू जीएल होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल पहले जीरो हो जाएगी। हाँ इक्वल टू रूट टू जीएल पर दोनों साथ साथ जीरो होंगे इक्वल टू पे। और अगर u की वैल्यू रूट टू जीएल और रूट फाइव जीएल के बीच में चली गई तो ऐसी नौबत आएगी जिसमें टेंशन पहले जीरो हो जाएगा और स्पीड जीरो नहीं हो पाएगी, मतलब पार्टिकल के स्टॉप होने से पहले स्प्रिंग स्लैक कर जाएगी और यही केस प्रोजेक्टाइल मोशन का बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का केस डी वाला बनेगा हमारा। और सर जब दोनों जीरो हो जाते हैं साथ में तो क्या होगा, बता रहे देखिए अभी ये समझाते हैं आपको, फिगर्स के थ्रू समझा रहे। देखो ये तीन सिचुएशंस हैं, ऊपर वाली सिचुएशन फर्स्ट वाली सिचुएशन तब है जब यू की वैल्यू रूट टू जीएल है। एक बार और नोटिस करो किस हाइट पर हो रहा वो चीज, u इक्वल टू रूट टू जीएल रखो जरा, u इक्वल टू रूट टू जीएल तो कितनी हाइट पर स्पीड जीरो आ रही है सर, l हाइट पर, l हाइट पर, और वहीं पर टेंशन भी जीरो हो रही है। और l हाइट का मतलब सेमी सर्किल, यानी u इक्वल टू रूट टू जीएल करेंगे तभी तो ये हाइट l के बराबर आएगी, यानी कि u इक्वल टू रूट टू जीएल आप कह सकते हो कि इस केस में जब u की वैल्यू रूट टू जीएल के बराबर है तो ये एक सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा, हाफ सर्कल बनेगा इस केस में सिर्फ। और जैसे ही बॉडी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगी वहां पर वेलोसिटी भी जीरो होगी, वहां पर टेंशन भी जीरो होगा। इधर भी लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो वेलोसिटी जीरो टेंशन जीरो, मतलब ये पार्टिकल एक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पॉइंट से मतलब ऑसिलेट होने लगेगा, ऑसिलेटरी हुआ, लेफ्ट वाले से चलेगा मीन पॉइंट पर जाएगा फिर राइट वाले तक जाएगा फिर स्टॉप हो जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा फिर स्टॉप, टू एंड फ्रो एक साइड से दूसरे साइड दूसरे साइड से ऐसे, ये पेंडुलम बन गया, ऑसिलेटिंग पेंडुलम हो जाएगा ये रूट टू जीएल पर सेमी सर्कल। हाँ रूट टू जीएल से कम है तीसरा केस से, जो सेकंड फिगर है, अगर आप यू को लेस देन रूट टू जीएल रखते हो तो भी ये पेंडुलम की तरीके से चलेगा, अभी भी पेंडुलम होगा, अभी भी ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन अब इसके ऑसिलेट करने का जो एंगल होगा वो सेमी सर्कल ना होकर के सेमी सर्कल से छोटा होगा, स्टिल ऑसिलेटिंग होगा। और इस ऑसिलेशन में क्या होगा, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा, ध्यान रखना है एक्सट्रीम पॉइंट पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो ये कौन सा केस हो रहा है, इसमें पहले क्या चीज जीरो हो रही है, जब u की वैल्यू लेस देन रूट टू जीएल का केस बना था स्पीड पहले जीरो होगी सर, तो एक्सट्रीम पॉइंट वो आएगा जहां पर स्पीड जीरो लेकिन वहां टेंशन एग्जिस्ट करेगी, कुछ ना कुछ टेंशन फोर्स होगी यहां पर, और यही अभी कैलकुलेट करने को देंगे आपसे कि टेंशन फोर्स एक्सट्रीम पॉइंट पर कैसे निकालोगे। ये सब भी क्वेश्चंस बनेंगे बट पहले हमको अंडरस्टैंडिंग तो हो जाए यार, इसका मतलब ये हुआ कि पेंडुलम के केस में मतलब इसमें u लेस देन रूट टू जीएल के केस में टेंशन फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी, स्पीड ही जीरो होगी, पहले स्टॉप कर जाएंगे लेकिन स्ट्रिंग लूज नहीं हो पाएगी इसमें। और तीसरे वाले केस में थर्ड वाले केस में आपको एक और प्रॉपर्टी बता दें, तीसरा केस वो ये है जिसमें u की वैल्यू रूट टू जीएल से बड़ी लेते हो और लेस देन रूट फाइव जीएल का केस करते हो तीसरे वाले में, तो ये कंसेप्ट प्रॉब्लम्स पर फोकस करिए, कंसेप्ट प्रॉब्लम। ये रिजल्ट तब आया था जब हम लोगों ने ये माना था कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो बिफोर द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स जीरो, यानी सर्कुलर मोशन करते वक्त, सर्कुलर मोशन करते वक्त एक ऐसा समय आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, लेकिन तब स्पीड जीरो नहीं थी, टेंशन जीरो हो गया लेकिन स्पीड अभी भी है इसमें, यही इस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस है। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो बिफोर द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो, मतलब जिस समय टेंशन जीरो होगा उस समय स्पीड जीरो नहीं है, उस समय स्पीड की कुछ वैल्यू होगी वहां पर पार्टिकल के पास, तो जब टेंशन जीरो हो जाएगा लेकिन स्पीड एग्जिस्ट कर रही है आपके पास और ग्रेविटी भी लगती चली आ रही है
किस टाइप का पाथ बनाओगे भाई? ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, टेंशन वाली फोर्स जीरो हो गई और स्पीड भी है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल बन पड़ा है कि यहाँ से सर्कुलर मोशन सीजेस, मतलब सर्कुलर मोशन बंद हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हो जाएगा यहाँ से। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल तब तक करेगा, मतलब इसके बाद बॉडी की जो ट्रेजेक्टरी है वो प्रोजेक्टाइल होती चली जाएगी, और ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तब तक चलेगा जब तक ये प्रोजेक्टाइल वापस जा करके उस सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ से फिर हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म होता है और वापस सर्कुलर मोशन चालू कर देते हैं, रिज्यूम करेंगे सर्कुलर मोशन को अपने। सर रिज्यूम तब होगा जब स्पीड √5gl से बड़ी हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, अभी हम सबको प्रूविंग करेंगे। जब हम सर्कुलर मोशन को वापस रिज्यूम करते हैं, जिस पॉइंट पर वापस सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, ये अभी इसकी एक प्रूविंग है, बट अब देखते हैं। सर एल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी? कौन सी एल की वैल्यू? देखिए यहाँ तो स्ट्रिंग लूज हो गई ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन करते करते एक टाइम आया जब स्ट्रिंग लूज हो गई, तो स्ट्रिंग लूज हो गई तो पार्टिकल सर्कल पे कहाँ रहेगा? रस्सी जब ढीली हो जाएगी, टेंशन जीरो, तो क्योंकि ग्रेविटी के अंडर सर्कुलर मोशन कहाँ होता है? ग्रेविटी के अंडर तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये तो टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन कर पा रहे थे हम लोग। तो जब टेंशन ही गायब हो गई, सिर्फ ग्रेविटी बचा, तो अंडर ग्रेविटी, तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी के अंडर अगर आप एक बॉडी को किसी एंगल पर वेलोसिटी दे दे हो, तो वो सर्कुलर पाथ कहाँ फॉलो करता है? वो हमेशा पैराबोला बनता है उसका पाथ। ओके सर, है ना, ये कंडीशन बन रही है। हाँ, तो स्ट्रिंग लूज रहेगी और ये स्ट्रिंग कुछ टाइम तक लूज रहेगी, मतलब ये स्ट्रिंग ना आगे लूज है, अभी स्लैक्ड है, स्ट्रिंग स्लैक्ड है, ऐसे आगे के रास्ते में स्ट्रिंग अभी ढीली है। धीरे धीरे ये स्ट्रिंग टाइट होने लगेगी और एक टाइम आएगा जब ये स्ट्रिंग वापस पूरी तरीके से टाइट होगी। जैसे ही स्ट्रिंग फिर से टाइट हुई, टेंशन फोर्स वापस आ गया और फिर ये सर्कुलर मोशन कर गया। तो कुछ देर के लिए रस्सी बिल्कुल लूज हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, उतनी देर में सर्कुलर मोशन छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन करिए, फिर उसके बाद वापस सर्कुलर मोशन करेंगे। और ये आपकी जानकारी के लिए, आपके एक नॉलेज के लिए मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, और प्रूफ तो नहीं दूंगा, अभी प्रूफ नहीं आ पाएगा इसका, हो सकता तो आगे आए, कि टॉप पॉइंट ऑफ सर्कल से अगर अल्फा एंगल पहले हमने सर्कुलर मोशन बंद करके प्रोजेक्टाइल चालू किया था, और टॉप पॉइंट से बीटा एंगल आगे जा करके वापस प्रोजेक्टाइल बंद करके सर्कुलर चालू कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको एक रिजल्ट दे रहा हूं, एंगल बीटा विल ऑलवेज बी 3 times ऑफ एंगल अल्फा। इसको प्रूफ भी करना है, अभी तो रिजल्ट है ये, अभी ये रिजल्ट है, लेकिन इसको प्रूफ करना होगा कि टॉप पॉइंट से अल्फा एंगल पहले अगर सर्कुलर मोशन छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू किया, और टॉप पॉइंट से बीटा एंगल आगे जा करके फिर से सर्कुलर मोशन को पकड़ लिया, तो बीटा और अल्फा का ये रिलेशन हमेशा ही आएगा, बीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 3 times ऑफ अल्फा। बट प्रूफ इसलिए अभी नहीं करेंगे कि बिकॉज प्रूफ में अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगती है, फुल पेज की मैथमेटिक्स है, पूरा पूरा एक पेज लग जाएगा उसको ड्राइव करने में, बट ट्रस्ट मानिए ये होगा, रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा ये। इसको एक फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रिक की तरीके से मानना है तुम्हें। तो 3 cases बन गए, टोटल 4 cases सॉरी। अगर बॉटम पॉइंट की स्पीड √2gl से कम है, तो ये एक पेंडुलम की तरीके से ऑसिलेट करेगा, जिसमें टेंशन कभी जीरो होगी नहीं, स्पीड जीरो हो जाएगी। इक्वल टू √2gl है तब भी हम पेंडुलम की तरीके से ऑसिलेट करेंगे, लेकिन ये पेंडुलम सेमी सर्कल बन करके चलेगा, और इसमें जब एक्सट्रीम पॉइंट आएगा तो स्पीड और टेंशन दोनों साइमल्टेनियस जीरो होंगे, साइमल्टेनियस। इसमें स्पीड जीरो हो गई है, टेंशन जीरो नहीं हुई है, यहाँ दोनों साइमल्टेनियस जीरो हुए एक्सट्रीम पॉइंट पर। और जब स्पीड √2gl और √5gl के बीच वाला केस है थर्ड, तो बॉडी कुछ देर तक सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करेगी, सर्किल पर चलती है, अचानक से मूड बदल जाता है, सर्किल छोड़ करके प्रोजेक्टाइल पे चलने लगे, पैराबोला पे चलने लगे, फिर हमने पैराबोला को छोड़ करके वापस सर्कुलर ट्रैक पर आ गए, तो सर्कुलर प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन चलता है। तो इनके क्वेश्चन सब करने हैं हमें, देखो कैसे करते हैं इनके क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन से पहले आएंगे, इनके क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा 10 minutes का डिस्कशन करेंगे भी एक और, एंड देन वापस आ जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स पर। अब आपको समझ में आया कि इस कंसेप्ट प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस क्या थी, और क्यों मैंने हाइट के फॉर्म में सारी चीजों को लिया हुआ है। मेरा सारा
क्योंकि हाइट के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट के फॉर्म में सारे आंसर आ जाएंगे आपके, ज्यादा बेटर वे होता है विजुअलाइज करने के लिए, थोड़ा आसान पड़ता है हमें। थीटा के फॉर्म में भी कर सकते थे लेकिन हम हाइट ज्यादा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है इसमें। अच्छा पीछे यहाँ पर एक डिस्कशन किया था हमने कि ये दो कंडीशन लगाओ, एक यू रूट फोर जीएल से ज्यादा है, ये कंडीशन इस बात के लिए होती है कि बॉडी चलती रहे, रुके ना, स्टॉप ना करे, नेवर जीरो, स्पीड बिकम्स नेवर जीरो, बॉडी मोशन में रहे। सर्कुलर मोशन से पहले मोशन आएगा, पहले बॉडी का मोशन रहेगा तब बाद में सर्किल बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो बाद की बात है। टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन स्पीड शुड बी नॉन जीरो, एंड टू बी ऑन द सर्कुलर स्प्रिंग शुड रिमेन टाइट, उसके लिए अलग से कंडीशन लगाई है रूट फाइव जीएल की। दोनों को मिला करके हम क्या कह रहे हैं, आंसर ये आएगा। और इसीलिए मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां पर इस सर्किल को स्ट्रिंग को रिप्लेस करके वायर से डाल दें तो क्या होगा, स्ट्रिंग रिप्लेस्ड बाय द थिन मेटल वायर, तो अब आपका मिनिमम वैल्यू यू का क्या बन जाएगा मोशन कंप्लीट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए यू मोर देन रूट फोर जीएल, ये कंडीशन लगाते हैं टू बी इन सिर्फ मोशन में बने रहने के लिए, रुकना नहीं है मेरे को, और यू मोर देन रूट फाइव जीएल की कंडीशन लगाते हो आप फॉर स्ट्रिंग टू बी टाइट, लूज ना पड़ जाए वो। अब एक बार बताओ क्या मेटल का वायर भी लूज पड़ेगा कभी? तो मेटल वायर में सेकंड कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं हमें, नो नीड इन, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, मुझे पता है कि वो लूज होगा ही नहीं कभी, तो उस पे कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है? मेटल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा टाइट रहता है, रिजिड बॉडी है वो, तो इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इसका मतलब इसमें सर्कुलर मोशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मिनिमम स्पीड क्या देनी पड़ेगी, रूट ऑफ फोर जीएल, मतलब आप इसमें सिर्फ ये इंश्योर कर लें कि बॉडी चलती रहे, बस चलती रहेगी तो सर्कुलर ही होगा, चलेगी तो सर्कुलर ही होगा क्योंकि मेटल दबेगा नहीं, मेटल एलोंगेट नहीं होगा। आ रही बस में आ रही है? Yes, sir. हमने दूसरी मतलब बाकी लोगों को आ रही है कि हमने सेकंड कंडीशन विड्रॉ क्यों कर दी है यहाँ पर? रूट फाइव जीएल विड्रॉ कर दी है। नहीं जी अभी ना थिन लिखा है बच्चा, यार थिन वायर है यार, क्या लिखो, थिन पतली लिखी है, मोटी की बात ही नहीं करेंगे, थिन वायर है, स्ट्रिंग जैसा ही है वायर, स्ट्रिंग जैसा, धागे जैसा ही है, बट मेटल है, बस इतना सा फर्क है, वो मेटल है। प्रॉब्लम देखो, पतंग में लगाते, पतंग में मेटल कहाँ लगाते हैं यार? अच्छा वो लगा देते हैं चीटिंग, अच्छा अच्छा हाँ, कुछ लोग आगे बांध देते हैं मतलब दूसरे की पतंग काटने के लिए ना, हाँ समझ गए, दूसरे की पतंग फंसाने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है, ये भी पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय द मेटल वायर ऑफ लेंथ l, मेटल वायर से पार्टिकल इज गिवन अ वेलोसिटी सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कुलर मोशन। तो अब तो आप डिसाइड करो पहली बात तो कि ये कौन सा केस होगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको, ये डिसीजन आपको लेना है कि हम बॉटम पर क्या स्पीड दिखाएं यहाँ पर। अगर ये L लेंथ है तो आप यहाँ पर क्या स्पीड दिखाओगे अगर जस्ट कम्प्लीट लिखा? इसका ध्यान रखना, अगर यहाँ स्ट्रिंग होता तो रूट फाइव लेते, मेटल वायर लिखा है इस वजह से, ठीक, हाँ जस्ट कम्प्लीट में रूट फोर लेंगे। अब फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड एट द टॉप पॉइंट, चलिए ट्राई करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट पर और टॉप पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या आएगी यार, लोवेस्ट पे और टॉप पॉइंट पे जाने पर कितनी टेंशन फोर्स आ जाएगी इसमें? तो चाहो तो फंडामेंटल या फिर रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर न्यूटन लॉ लगा करके भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है, सेंट्रीपेटल फोर्स की इक्वेशन बना करके टेंशन फोर्स आ जाएगी और एनर्जी कंजर्व करके स्पीड आ जाएगी, तो वो बेसिक अप्रोच होती है। और कुछ लोग फॉर्मुलेटिक अप्रोच पे चलते हैं कि भाई फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो आप दोनों काम कर सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हैं टॉप पॉइंट पर और टेंशन भी निकाल सकते हो। तो टेंशन का फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटली चलते हैं यार एक बार, कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता, तो टेंशन दिखाओगे ऊपर की तरफ मान लो और mg दिखाओगे नीचे की तरफ, तो क्या लिखें, t माइनस mg लिखें कि mg माइनस t लिखें बॉटम पॉइंट पर, जबकि आपको ये पता होना चाहिए t माइनस mg एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, तो यानी कि जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां के लिए इक्वेशन बन जाएगी टेंशन एट लोवेस्ट माइनस mg इक्वल टू m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, है ना,
u स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, और वहां पर u की वैल्यू को रिप्लेस कर दो जरा, तो क्या आएगा? देखो आंसर u स्क्वायर को 4gl कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये पूरा आंसर आपका 5mg आ जाएगा। 5mg। अब टॉप पॉइंट पर क्या होगा? तो टॉप पॉइंट पर टेंशन फोर्स मान लो डाउनवर्ड दिखाया, mg डाउनवर्ड दिखाया, ठीक है, लेकिन टॉप पॉइंट पर पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला अभी पीछे था एनर्जी कंजर्वेशन से, u स्क्वायर माइनस 2g इनटू हाइट, और हाइट ऑफ टॉप पॉइंट फ्रॉम द बॉटम पॉइंट देखा जाएगा, हाइट ऑफ द टॉप पॉइंट फ्रॉम द बॉटम पॉइंट, तो हाइट विल बी ट्वाइस ऑफ l। तो जब आप h की जगह 2l कर दोगे और u स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सर, हां जी सर, वो टेंशन ऊपर नहीं होगा सर, ये तो मेटल वायर है ना। हाँ बच्चा एक मिनट, एक रॉड की तरह थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा उसको, मतलब ये जीरो आ जाएगा, पहली बात ऊपर भी जीरो आ जाएगा। सुनो आप प्रणव वही बता रहे हैं बच्चा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हैं स्ट्रिंग की तरीके से करने के, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने टेंशन डाउनवर्ड भी दिखाया है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लिखेंगे टेंशन प्लस एम जी इक्वल टू एम अपॉन एम वी स्क्वायर बाई एल, लेकिन ये v हम टॉप पॉइंट का लेंगे, जिस पॉइंट पर इक्वेशन बना रहे हो ना, स्पीड भी उसी पॉइंट की, अगर आप टॉप पॉइंट पर इक्वेशन लिख रहे हो तो टॉप पॉइंट की स्पीड, बॉटम पॉइंट पर इक्वेशन लिख रहे हो बॉटम पॉइंट की स्पीड, और इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज है कि आपको जहां पर स्पीड कैलकुलेट करनी है वो हाइट सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, हाइट सब्स्टिट्यूट करके पहले आप जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है वहां की स्पीड कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यही स्पीड एम वी स्क्वायर बाई आर में एंटर करेगी, तो यहाँ पर जीरो एंटर कर रहा है, यानी टेंशन की वैल्यू माइनस एम जी आ रही है। अब ये माइनस साइन अपने आप में इस बात को सिग्निफाई कर रहा है, माइनस में टेंशन आने का, ऑपोजिट डायरेक्शन में एम जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब टेंशन यहाँ पर, टेंशन अप ऊपर, नॉर्मल नहीं है यार इसको, मेटल में नेगेटिव टेंशन अगर आ रही है ना आपकी, मेटल के कंडीशंस में नेगेटिव टेंशन आने का सीधा सा मतलब, मतलब कंप्रेस्ड टाइप का है थोड़ा सा, राइट राइट, कि डाउनवर्ड टेंशन लगने की बजाय ऊपर टेंशन लगेगी, और मेटल और स्ट्रिंग में ये डिफरेंस रहेगा, मेटल में आप किसी भी साइड पर टेंशन फोर्स दिखा सकते हो, क्योंकि मेटल्स को एलॉन्ग मेटल मेटलिक बॉडी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग मेटलिक बॉडी है, तो स्प्रिंग दोनों तरीके से फोर्स लगा सकती है, वो एलोंगेट भी की जा सकती है, कंप्रेस भी की जा सकती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में आएगा आपका, ये मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड्स की अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये इंटेंशनली मैंने क्वेश्चन लिया है कि टेंशन माइनस में आने से आपको डरना नहीं है कि यार माइनस में क्यों आंसर आ गया, कोई बात नहीं, माइनस में आंसर आने का मतलब टॉप पॉइंट पर ये जो टेंशन की डायरेक्शन दिखाई है तुमने, ये गलत डायरेक्शन है, टेंशन फोर्स डाउनवर्ड लगने की बजाय ऊपर लगना चाहिए यहाँ पर। और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पोजीशन वेयर टेंशन इन द वायर बिकम्स जीरो, ऐसा भी एक पॉइंट आएगा जहां वायर में टेंशन होगी ही नहीं? नो सर, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं होगा। अच्छा एक बार बताओ, लोवेस्ट पॉइंट पर पॉजिटिव टेंशन, टॉप पॉइंट पर नेगेटिव टेंशन, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तो आएगा ना, कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां टेंशन जीरो होगी। मेटल है, मेटल है, स्लैक नहीं करेगा वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखो हम लोग जीरो टेंशन के को सिर्फ यही मानते हैं कि स्लैक करना, अरे स्लैक करने लायक हो तो वो मेटल को कैसे लूज करोगे भाई? सर तो यहाँ पर टेंशन जीरो होने का क्या इंप्लीकेशन होगा मेटल वायर में? तो यही मैं आपको सर, मतलब थोड़ा रिलैक्स स्टेट में होगा वो, बस नॉर्मल लेंथ में है। स्प्रिंग में जीरो फोर्स होने का क्या मतलब है कि वो स्प्रिंग ना तो एलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, और कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा यस, तो मेटल मेटल अपनी नॉर्मल लेंथ पे है, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज में आता है सब। एनीवे देखो मैं कह रहा हूँ कि ये सर्कुलर मोशन करता चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा, कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। साइन इनवर्स 2/3 के एंगल पे, अब देखते हैं बच्चा एक मिनट, मान लेते हैं कि टॉप साइड से अल्फा एंगल पर हो रहा है ये चीज, सपोज करो कि टॉप साइड से अल्फा एंगल पर टेंशन जीरो हो गया, लेकिन ध्यान देना टेंशन जीरो हुआ है, स्पीड जीरो नहीं होगी, स्पीड होगी यहां पर, और वो हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, यू स्क्वायर, देखिएगा मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर तो 4gl हो गया, माइनस 2g और हाइट, ये पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट टॉप साइड, हाँ जी ये पूरी हाइट,
तो ये पूरी हाइट आप जरा कैलकुलेट करना, ये पूरी हाइट होगी एल लेंथ ऑफ रॉड और प्लस एल कॉस अल्फा। ये हम नहीं कराएंगे, कैसे होगा ये अपने आप दिखेगा। ये लेंथ भी एल है। यस सर। तो एच की जगह पर रख देंगे एल प्लस एल कॉस अल्फा। तो पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वहां पर टेंशन फोर्स जीरो है, तो टेंशन फोर्स जीरो है बट ग्रेविटी की फोर्स तो होगी एम जी, एम जी होगा, और मोशन तो सर्कुलर ही हो रहा है यहाँ पर भी, मेटल है तो क्या हुआ, मतलब टेंशन जीरो भी हो गया तो है तो सर्कुलर मोशन ही। तो अगर ये सर्कुलर मोशन है तो आप बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है इस समय। टेंशन अगर जीरो हो गया है तो कौन सा फोर्स आपको लग रहा है कि टुवर्ड्स सेंटर जाएगा इसमें से? mg का कंपोनेंट। कौन सा mg का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा? cos थीटा। mg cos अल्फा। तो फिर उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बनना चाहिए, यानी कि वो m * v स्क्वायर / r होना चाहिए, mv स्क्वायर / l। अब यहां से आप v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सर cos इनवर्स 2/3 आ रहा है अल्फा। हां मतलब v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स 2/3। मतलब टॉप साइड से cos इनवर्स 2/3 एंगल पहले एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां से टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगी। सर यानी हाइट जो होगी वो 5/3l। हाँ हाइट 5/3l। इक्वेशंस के नाम पर सिर्फ दो ही इक्वेशंस हैं, एक स्पीड वाली, उसमें भी अब कुछ नहीं करना तुमको, रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ही लगाना है, तो वो काम भी खत्म हो गया। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ये देख लेना कि कौन सा फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ जा रहा है और उसको एम वी स्क्वायर बाई आर से कंपेयर करना है। लेकिन स्पीड उसी पॉइंट की कैलकुलेट करना जिस पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। लोवेस्ट पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम तो लोवेस्ट पॉइंट की स्पीड, टॉप पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम टॉप पॉइंट की स्पीड। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट का बी वाले का आंसर, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। अगर मेरे ख्याल से सही है आप लोग को कैलकुलेशन सही है तो। यस। और एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन है। पार्टिकल्स मूविंग अलोंग द इनर सरफेस ऑफ द फिक्स्ड सिलेंडर, सिमिलर क्वेश्चन है ये, इसमें स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग जैसा ही केस है, लेकिन हाँ ये सिमिलर टू द स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। इसमें क्या होगा कि इस बॉडी पर अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहाँ पर किसी भी टाइम पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे किसी भी टाइम पर, मान लो ये यहाँ से एच हाइट ऊपर चला गया, तो फिर सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। एच हाइट ऊपर गए, स्पीड वी कितना होगा, तो स्पीड के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाते चले जाओ, मतलब हमारी क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी। और फोर्सेस के नाम पर क्या होगा, तो फोर्सेस के नाम पर ग्रेविटी की फोर्स mg और अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ये दो फोर्सेस होंगे यहाँ पर। तो ये आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा, मैं बता दूं ये आर्टिकल एग्जैक्टली सिमिलर हो गया, ट्रू कॉपी हो गया इसके फर्स्ट आर्टिकल के। इस फर्स्ट आर्टिकल में mg लग रहा था और टेंशन फोर्स लग रहा था, mg और टेंशन फर्स्ट आर्टिकल में एग्जैक्टली उसका सिमिलर है, ट्रू कॉपी है। बस क्या करोगे, टेंशन फोर्स को किससे रिप्लेस करोगे यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल है वो हमारे टेंशन फोर्स के सिमिलर आ जाएगा। सो एम अपॉन एल जो रिजल्ट था वही आएगा, यू स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gl, टेंशन की जगह नॉर्मल आएगा। तो ये सारा कुछ आप करेंगे, इसमें फाइनली आपको ये बता दें कि मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द पार्टिकल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन का आंसर आएगा यू शुड बी मोर देन 5gl। इसमें दो कंडीशंस लगानी है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द स्पीड इज मिनिमम, तो उसका सेम आंसर है, एच की वैल्यू 2l के बराबर करनी होगी, 2r के बराबर टॉप पॉइंट पर मिनिमम स्पीड आएगी। और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द नॉर्मल रिएक्शन इज मिनिमम, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, टेंशन वाला क्वेश्चन है, तो एच इक्वल्स टू 2r यानी कि टॉप पॉइंट। व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल नेवर बिकम्स जीरो, तो इसके लिए होगा यू मोर देन रूट ऑफ 4gr, 4gr से ज्यादा मोशन में बने रहने के लिए। एंड व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सिलेंडर इज नेवर जीरो,
नॉर्मल कभी जीरो ना हो उसकी कंडीशन है यू शुड बी मोर देन रूट ऑफ 5gr. तो दोनों बातें होने के लिए ये आप करोगे कि रूट 5gr. करें डिस्कस, लगता है आपको, या मतलब आप टेंशन वाले से कंपेयर कर लोगे इसको? कर लेंगे सर, कर लेंगे सर. और अगर पार्टिकल को ट्यूब के अंदर डाल दें तो इनसाइड ए ट्यूब, सर इसमें नॉर्मल दो नॉर्मल लग जाएगा ना बाहर वाला बड़ा दो नहीं आएंगे. सुनिए, दो नहीं आएंगे, एक मेरी बात सुनो. यहाँ पर लिखना है जस्ट फिट की बात की गई है, जस्ट फिट मतलब कि प्रॉपरली फिट नहीं है. जस्ट फिट का मतलब होता है बाहर वाले का लगेगा. अरे बाबू, केवल जो आउटर वॉल है तुम लोग सुधरोगे थोड़ी सर. ऊपर वाले पॉइंट में तो नीचे वाले का लगेगा. ये सिचुएशन ना मेटल वायर के सिमिलर हुआ. ये मेटल वायर टाइप हुआ. क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी तो ट्यूब के अंदर रहेगी ना हमेशा. हाँ सर, हमेशा सेम ही पाथ पे रहेगी. इसका मतलब प्रोजेक्टाइल करने का तो कोई चांस है नहीं इसमें. आप रहोगे तो अगर देखो, अगर ये चले तो सर्कुलर ही चल सकते हो और कुछ चल भी नहीं सकते. अगर ये मास चल रहा है तो सर्किल के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या चलने की? क्या हम ट्यूब को फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे? ट्यूब को यहाँ से फाड़ते हुए मतलब? नो सर. तो अगर चलोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है ये बता दे. अगर ये बॉडी चलेगी ट्यूब के अंदर सर्कुलर होगा तो सर्कुलर मोशन होने के लिए बस इसका चलना जरूरी है. सर यू इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 4gr. तो पहले पार्ट का आंसर दे दो कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए. सर्कुलर मोशन के लिए यू रूट मोर देन रूट 4gr चाहिए. चलते रहो बस, क्योंकि ये 100% श्योर है कि ट्यूब के अंदर चलोगे तो सर्कुलर ही चलोगे और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. पिछले वाले में ये क्यों हटाया था जानते हो? पिछले वाले में क्योंकि हम ट्यूब में नहीं थे, तो हो सकता है पार्टिकल का मूड बदल जाए और वो कहे कि हम तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, हम हवा में चले जाएंगे. तो हवा में आने के बाद कौन सा पाथ बन जाएगा उसका? पैराबोला. तो उसके लिए हमको कंडीशन लगानी थी कि वो कांटेक्ट में बना रहे, क्योंकि कांटेक्ट छूटने के बाद सर्कल नहीं होगा. तो हमको दो कंडीशन लगानी पड़ती है यहाँ पर. लेकिन ट्यूब के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, पार्टिकल हवा में जाएगा कैसे? तो चलते रहो, स्पीड रहे बस, आप में मोशन होता रहे. तो मोशन होता रहेगा तो गारंटीड सर्कुलर मोशन होगा ये. इसीलिए रूट 4gr से ज्यादा होता है बस. ये आप यहाँ पर. हाँ जी सर, यही पूछना था सर, टॉप पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा? तो बच्चा सुनो, तो ये मेटल वायर जैसा हुआ ना, ये मेटल वायर जैसा हुआ. जस्ट फिट्स का मतलब समझ नहीं है. जस्ट फिट का मतलब ये है कि दोनों को टच नहीं कर पाएगा. मतलब कि जैसे अगर हम इसको अलग से दिखाएं, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये सर मतलब एक गिवन पॉइंट पे एक ही वॉल को नीचे वाले पॉइंट पे नीचे वाले को टच करेगा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे नीचे वाले को, हां एक टाइम पर या तो आप नीचे वाले को टच करिए या ऊपर वाले को टच करें, थोड़ा सा गैप रह जाएगा दूसरे साइड से. जस्ट टच का मतलब दोनों को एक साथ टच नहीं कर पाएंगे. तो ये ग्रुप वाला केस नहीं बन जाएगा फिर कि लाइक तीन सरफेसेस में सिर्फ दो ही सरफेस टच कर पाएंगे? हां बिल्कुल 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 वैसा ही होगा. देखिए प्रॉपर फिट करके अंदर डालेंगे कैसे, उसमें से उस बॉल को अंदर डालेंगे कैसे ट्यूब में? फिर घूमेगी नहीं सर, आगे सर अटक जाएगी एक जगह. आपको अपने फिंगर में रिंग डालनी है, तो रिंग का साइज आपके फिंगर से थोड़ा सा तो बड़ा हो कि बिल्कुल फिंगर के बराबर एग्जैक्ट साइज का रिंग बनवा के आप रिंग उसमें लाओ कैसे, अंदर कैसे जाएगी वो? अगर किसी तरह चली भी गई तो बाहर नहीं आ पाएगी. अरे तुम्हारे कहने से किसी तरीके चली जाएगी सर, ताकत लगा के थोड़ा मतलब उंगली छिल जाएगी भाई, करना भी नहीं कभी. सर मुझे लग रहा है वो इस वाली चीज की बात कर रहा है. नहीं नहीं, जस्ट फिट का मतलब ये है बेसिकली. देखो अब इसमें क्या होगा ना यार, यू मोर देन रूट 4gr होगा. लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो अगर आप बॉटम पॉइंट पे बात करो क्या इक्वेशन बनेगी और टॉप पॉइंट पर क्या इक्वेशन बनेगी. देखो तो एट बॉटम एट टॉप, सब समझा दे रहे आपको क्या होगा. तो बॉटम पॉइंट पर मान लेते हैं कि इसका कॉन्टेक्ट बाहर वाले से है, इसमें आउटर सरफेस से, तो बॉटम पॉइंट पर ये बाहर वाले सरफेस से टच करेगा तो नॉर्मल ऊपर होगा, mg नीचे होगा और सेंटर ऊपर की तरफ है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऊपर. तो हमारी इक्वेशन बनेगी n माइनस mg बराबर m बाई r और v स्क्वायर. तो अगर ये जस्ट कंप्लीट कर रहा है तो हम v स्क्वायर की वैल्यू को 4gr कर देंगे. ये भाई मेटल रॉड जैसा हो गया. तो नॉर्मल बॉटम पॉइंट पर बनेगा 5mg.
और किसकी वजह से बनेगा, बाहर वाले सरफेस की वजह से या अंदर वाले सरफेस की वजह से? सर बाहर वाले सरफेस की, बाहर वाले। अब तो सर ऊपर वाले पॉइंट पे फिर वो माइनस एम जी हो जाएगा। हाँ, अब मान लो देखो, हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाले पर भी वे बाहर वाले सरफेस को टच कर रहा है। अगर ये मान लेते हैं कि ये बाहर वाले सरफेस को टच कर रहा है, तो अगर ये बाहर वाले सरफेस को टच करेगा तो नॉर्मल बाहर वाली साइड से तो अंदर आएगा। अगर इस बॉल का कांटेक्ट बाहर के सरफेस से हो रहा है, मतलब ऐसे डाउनवर्ड टाइप, तो आप नॉर्मल नीचे दिखाओगे, एम जी भी नीचे दिखाओगे, तो एन प्लस एम जी की वैल्यू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर बनेगी। लेकिन v स्क्वायर जो होगा वो u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, और u हमारे पास रूट 4gr है और h की वैल्यू 2r है। तो जब आप 4gr माइनस 2g और h की जगह 2r करोगे तो ये पूरा जीरो होकर के n बराबर माइनस mg आ जाएगा। क्या सिग्निफिकेंस हुआ नॉर्मल माइनस में आने का? मतलब मतलब ये हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी सर नीचे वाले सरफेस का कांटेक्ट। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये कांटेक्ट नीचे वाले सरफेस से हो रहा है इसका, क्योंकि जब नीचे वाले सरफेस से कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। हमने डाउनवर्ड नॉर्मल मान के सॉल्व किया, माइनस में आंसर आ गया, इसका मतलब नॉर्मल ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर नॉर्मल तो तब आएगा जब इसका कांटेक्ट नीचे वाले सरफेस से हो। तो दोनों सरफेसेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेम ही होगा? दोनों से एक साथ नॉर्मल लगेगा ही नहीं। नहीं तो मतलब जैसे टॉप पॉइंट पे अंदर वाला सरफेस लगा रहा है तो उसकी वैल्यू भी n होगी, मतलब n तो सिंबल लिखा mg के बराबर आएगा, वो नॉर्मल वैल्यू यही आएगी mg, n तो उसका एक सिंबल होता है यार। सर अगर ट्यूब के बीच में होगी सर कहीं, तो देखिए तो इसमें भी वही बात होगी जान, तो ये मेटल वाला क्वेश्चन बन रहा है। मेटल वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि किस एक एंगल पर जाके टेंशन जीरो हो गया था, तो यहाँ सिचुएशन ऐसी ही कुछ बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये बॉल चलती जाएगी कुछ देर तक, मतलब कुछ एंगल तक ये बाहर वाले सरफेस को टच करेगी, और एक पॉइंट पर ये बाहर वाले सरफेस को छोड़ करके अंदर वाले सरफेस को टच करेगी। आप हाइलाइटर का मूवमेंट देखिएगा, हाइलाइटर को मैं पहले बाहर वाले सरफेस पर टच करके चला रहा हूं, अंदर वाले सरफेस से उसका कोई टच नहीं हो रहा। कॉस इनवर्स 2/3 एंगल पर जाकर के हम बाहर वाले सरफेस को छोड़ करके अंदर वाले सरफेस के कॉन्टेक्ट में आकर के फिर रिवॉल्व करेंगे। मेटल जैसा नहीं समझ में आ रहा उसमें कि मेटल के तरीके से हुआ है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल मूविंग अलोंग द आउटर सरफेस ऑफ द फिक्स्ड सिलेंडर, बाहर बाहर चले अगर एक सिलेंडर के बाहर हमने यू स्पीड दी है, आउटर सरफेस ऑफ द फिक्स्ड सिलेंडर, तो सबसे पहला फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप पॉइंट। तो टॉप पॉइंट जो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और सेंट्रीपिटल किधर होगा सर? तो सेंटर जो पिछला वाला केस था ट्यूब के अंदर सर, उसमें एक ऐसा भी तो मतलब सिनेरियो बनेगा जब कि ऐसी पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर अगर हम उन्होंने उसने दे दी अगर पार्टिकल को हमने, तो वो नीचे वाले सरफेस को टच ही नहीं करेगा, कभी नहीं टच करेगा, वो बॉटम पर तो टच करेगा ही करेगा, ग्रेविटी की वजह से टच कर जाएगा। नहीं सर, जैसे कभी हम लोग घर पे ट्राई करते हैं तो ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा दे दी तो वो नहीं टच करते हैं। यस सर, बाहर वाले को नहीं करेगा, अंदर वाले मतलब छोटे वाले को नहीं करेगा टच। हाँ, छोटे वाले को नहीं करेगा टच, बाहर वाले को करता है। हाँ, तो ये तो हो सकता है ना, क्योंकि ये तो आप u इक्वल टू रूट 4gr लेके चल रहे हो, अभी u को आप रूट 10gr कर दो, बहुत ज्यादा स्पीड कर दो, तो ये हमेशा बाहर वाले के टच में रहेगा ऑलवेज। यस सर, वही कह रहा था। हाँ, ये तो हो सकता है। देखिए जी, टॉप पॉइंट पर nmg, अब सेंटर पॉइंट नीचे है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नीचे, अब इक्वेशन बनाएंगे इसकी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब mg ज्यादा होगा, mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू m अपॉन r, और टॉप पॉइंट पर u स्पीड है तो इससे नॉर्मल एट द टॉप पॉइंट की वैल्यू m g माइनस m u स्क्वायर बाई r। पहला क्वेश्चन। बी पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u द नॉर्मल रिएक्शन एट द टॉप इज नॉन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव नॉर्मल तब आएगा जब ये एम जी की वैल्यू बड़ी रहे एम यू स्क्वायर बाई आर से, एंड दैट मीन्स कि u जो है वो लेस होना चाहिए रूट ऑफ जी आर से। अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो यहां पर इक्वल टू और यहां पर भी इक्वल टू,
ठीक है, मतलब कि पार्टिकल टॉप सरफेस के कांटेक्ट में तभी रह पाएगा जब u लेस देन इक्वल टू रूट जी आर रहे, वरना कांटेक्ट छोड़ देगा। कहां पे? टॉप पॉइंट पे ही कांटेक्ट छोड़ देगा। यस सर। बी पॉइंट का एक और मतलब हुआ, जानते हो बी पॉइंट का मतलब कि अगर u मोर देन रूट जी आर है ना, तो टॉप पर ही आप कांटेक्ट छोड़ देंगे, पॉइंट टॉप पॉइंट पर ही कांटेक्ट लूज कर दो। यानी सर्कुलर होगा ही नहीं, जैसे ही यहां पर वेलोसिटी देंगे वो वैसे ही पैराबोला बन करके बाहर चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि स्पीड रूट जी आर से कम रखी जाए ताकि ये बॉडी ऊपर वाले सरफेस के टच में बनी रहे, और टच में बनी रहेगी तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगी। इस पर रह करके ही सर्कुलर मोशन कर पाएंगे, क्योंकि हवा में जाकर के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करती। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड द नॉर्मल रिएक्शन बाय द सिलेंडर एट द मोमेंट पार्टिकल रीचेस टू अ पॉइंट व्हिच इज एच डिस्टेंस बिलो द टॉप पॉइंट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि टॉप पॉइंट से अगर हमने इसको यू स्पीड दी और वो वहां से स्लाइड करके नीचे आ गया और ऊपर से h डिस्टेंस नीचे आ गए, ये डिस्टेंस h है, तो यहाँ पर क्या स्पीड होगी? अब हम फिर डायरेक्ट लिखेंगे इसको u स्क्वायर, आपकी माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाते समय स्पीड कम होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते समय हमको पता है कि और स्पीड बढ़ती है बॉडी की, तो u स्क्वायर प्लस 2gh लगाइए। उल्टा हो रहा है, ऊपर से नीचे आने का केस हो रहा है। सिंपल से थ्योरी है भाई, आप हाइट से नीचे आओगे ना, जब नीचे आओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, प्रैक्टिकली प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल या वर्टिकल किसी में भी यही देखते हैं, सब में होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तो इसको आप बार बार करिए ना, इसमें क्यों हम टाइम खराब करें एनर्जी कंजर्व करा करके। और रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ दिखा दो, एम जी वाली फोर्स नीचे की तरफ दिखा दो, नॉर्मल एम जी, और ये अगर अल्फा एंगल माने, सेंटर ये है, और एम जी कॉस अल्फा आएगा सेंटर, तो एम जी कॉस अल्फा माइनस नॉर्मल बराबर एम अपॉन आर, और इस समय की जो स्पीड आई है यानी कि ये यू वी स्क्वायर रिप्लेस करके नॉर्मल निकाल देंगे। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। तो ठीक है, जो थर्ड पार्ट में नॉर्मल निकाला है उसको एन जीरो कर लो, और यहां पर भी कॉस अल्फा रिप्लेस हो जाएगा, कॉस अल्फा को एच के फॉर्म में सिमिलर तरीके से रिप्लेस करोगे, ये कॉस अल्फा यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये डिस्टेंस एच दे रखा है, बाकी का पोर्सन आर माइनस एच हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर है, तो कॉस अल्फा रिप्लेस हो जाएगा आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर से। तो ये बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको, मतलब डिफरेंट टाइप के जो वेरिएशंस होते हैं सर्कुलर मोशन के, सरफेस के बाहर घूमना, सरफेस के अंदर से चलना, इनसाइड आउटसाइड, ट्यूब के अंदर, मेटल रॉड वायर, ये सब क्लियर हो गया आपको? दो बेसिक काम चीजें चल रही हैं, दो बेसिक, एक तो ये स्पीड वाला फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस 2gh या यू स्क्वायर माइनस 2gh, एक तो ये चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर सेंटर की तरफ का फोर्स चेक करके उसको एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर कर दो। अब ये क्वेश्चंस पे आओ, अब हम आपको क्वेश्चंस इस वाले केस पे कराने जा रहे हैं, इस पे जब स्पीड रूट 2gl और रूट 5gl के बीच में होती है, तो हम लोग कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक तो सर्कुलर मोशन होता है, फिर स्ट्रिंग लूज हो जाती है यानी कि टेंशन जीरो हो जाती है, और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसकी इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये रूट 4gl है, रूट 2 और रूट 5 के बीच में, रूट 2gr से ज्यादा है, रूट 5gr से कम है, मोर देन रूट 2gr लेस देन रूट 5। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि बताओ टेंशन फोर्स कहां पर जीरो होगी, पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द पोजीशन वेयर द स्प्रिंग इज स्लैक्ड, मतलब किस पॉइंट पर जाकर के टेंशन जीरो हो जाएगी। दो तीन ऑप्शन है इसको करने के यार, टेंशन का रिजल्ट ही हमको याद है, टेंशन का रिजल्ट हमको पता है m अपॉन l इंटू यू स्क्वायर माइनस 3gh प्लस क्या था g इंटू r, r की जगह l होता है यहाँ पर,
तो डायरेक्ट कर लो ना आप कहां पर जीरो होगा, टी को जीरो पुट करके बता दो कहां पर आएगा, एच कितना आएगा, और स्पीड दे रखी है आपको रूट फोर जी आर, मतलब एल और आर सेम है एक्चुअली, जिसको आर कह रहे हैं वही एल भी है, एल और आर सेम है, बता दो कहां पर जीरो आएगा। फाइंडिंग द पोजिशन वेयर स्ट्रिंग इज स्लैग, निकाल लीजिए टेंशन को जीरो करके, यू स्क्वायर की जगह रख देंगे तो यू स्क्वायर हो गया फोर जी आर कर देते हैं चलो, माइनस थ्री जी एच और जी इंटू आर, बस इसको जीरो करिए, चेक करो एच कितना आ रहा है इससे, जी कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से 5R by 3 ऊपर जाने पर टेंशन जीरो हो जाएगी। तो फिर हम सेंटर से कितना ऊपर है, इसका मतलब अगर हम ग्राउंड से 5R by 3 हाइट पर है, 2R by 2 by 3R, तो ये डिस्टेंस आपका 2R, यानी ये डिस्टेंस है 2R by 3 हो गया, और अगर ये 2R by 3 हो गया और ये R है तो क्या थीटा कैलकुलेट नहीं हो जाएगा आसानी से, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, एंगुलर पोजिशन एट विच द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो, सेम ही चीज है, टेंशन बराबर एम अपॉन एल, इसका स्क्वायर कर दो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो गया टू प्लस रूट थ्री जी एल, फॉर्मूला था माइनस थ्री जी एच और प्लस जी एल, कर दो जीरो, निकालो एच कितना आ रहा है इससे, बस कर लो शिवांश पांडे जी कंजर्वेशन से कर लो भाई, अपनी अपनी च्वाइस है ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारा बताया हुआ मेथड फॉलो करो, ना करो आप, आपको अपना मेथड करना है, जैसा भी करो भाई आंसर से मतलब है, हम तो कह रहे हैं। तो ये कितनी हाइट पर होगा ये निकाल लो, ये हाइट वापस फिर आ जाएगी एच की वैल्यू, थ्री प्लस रूट थ्री एल होल अपॉन रूट थ्री एल बाय थ्री, ये आ रहा है मतलब ये चीज, यस सर, मतलब कि एल प्लस एल बाय रूट थ्री, हाँ सर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस L है, ये भी L है, यानी कि सेंटर से हम कितना ऊपर है, तो सेंटर से हम L by root 3 ऊपर, तो ये एंगल थीटा, देखो कितना थीटा भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा थीटा नहीं आ जाएगा बताए, यस सर आ जाएगा, यस यस। अब अगला क्वेश्चन, सबसिक्वेंट मोशन उसके आगे, टेंशन जीरो होने के बाद का क्या होगा, टेंशन जीरो होने के बाद की कहानी देखो क्या बनेगी, ठीक है, तो सबसे पहले ये करोगे कि टेंशन कहाँ जीरो होगा ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये अब समझ में आ गया कि जल्दी से कैसे कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो दे रखी है टू रूट जी एल दे रखी है, यानी कि रूट ऑफ फोर जी एल, तो यही क्वेश्चन पीछे किया था अभी हमने, रूट फोर जी एल वाला कर चुके हो, तो इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि जैसे ही 5R by 3 की हाइट पे जाओगे टेंशन फोर्स जीरो होगा, और यही कैलकुलेट करने को कहा इन्होंने कि स्लैकिंग तब होती है जब पार्टिकल 2L by 3 अबव द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर, तो इसको इसको छोड़ दे रहे क्योंकि ये भी जस्ट एक पहले क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब ग्राउंड से जैसे ही आप 5L by 3 डिस्टेंस पे जा रहे हो टेंशन फोर्स जीरो, और अब यहाँ पर स्पीड होगी, ठीक है ना, यहाँ पर एक स्पीड v होगी, वो निकालने का भी फॉर्मूला आपके पास क्लियर है, u स्क्वायर माइनस 2gh, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो u स्क्वायर हो गया 4gl माइनस 2g, और जिस हाइट पर टेंशन जीरो हो रही है वो 5l बाय 3 है, तो हम यहाँ से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये आ रहा है रूट ऑफ 2GL by 3, 2GL by 3, ठीक, ये दोनों आ गए, और ये एंगल भी निकल जाएगा, देखो कि ये जब जहां पर टेंशन जीरो हो रहा है वहां पर हम हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल हॉरिजेंटल वाला,
थीटा मान ले अगर, ये भी निकल जाएगा, हॉरिजेंटल वाला एंगल थीटा निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अगर ये हॉरिजेंटल से थीटा है तो ये बगल में 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। कॉस इनवर्स 2/3 है। हाँ, मतलब अगर ये थीटा है तो साइड वाला 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल थीटा। और बड़ी आसानी से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो ऑब्जेक्टिवली। ये हाइट पता है हमको 2l/3, सेंटर से पार्टिकल तक का ये डिस्टेंस पता है। अलग से ट्राइंगल बनाकर दिखा देता हूँ, एक ट्राइंगल पता है जिसमें ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस 2l/3 है और ये एंगल थीटा है, तो क्लियरली कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2/3। कॉस इनवर्स 2/3 हो जाएगा थीटा। इस खत्म हो गया ना, अब इसके आगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होना है, तो इसके बाद ये तो उसको अलग से देख लो। इसके बाद प्रोजेक्टाइल होना है, आप उस फिगर को देखो जो एक्चुअल फिगर दिखाई थी हमने यहाँ पर, कि इसके बाद तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन करके भी तो आप कुछ हाइट अचीव करोगे, प्रोजेक्टाइल की भी तो अपनी एक मैक्सिमम हाइट होगी। मतलब यहां पर, यहां से यहां तक तो मोशन हो गया, बॉडी यहां से यहां तक तो सर्कुलर मोशन करके आ गई, इसके आगे सर्कुलर मोशन नहीं होना है लेकिन इसके आगे प्रोजेक्टाइल जरूर होना है, तो इसके आगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस प्रोजेक्टाइल की भी अपनी एक मैक्सिमम हाइट होगी। सर ग्राउंड से 55/54l, हाँ एच मैक्स। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल तो निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले से, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालना होगा तो आप sin थीटा होल स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसमें u कौन सा लेंगे, जो रूट फोर जी एल, रूट फोर जी एल लेंगे या जहां से प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ वहां पे जो वो लेंगे, तो वहां तो रूट 2gl/3 है। यस सर, यही लेंगे। तो इसका स्क्वायर करो 2gl/3, और साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉस थीटा 2/3 है तो साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से निकालोगे। ये सब मैथ का पोर्शन मुझे बताना नहीं चाहिए वैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके, क्योंकि इसी से हम लोग एक्सटेंड हो जाते हैं सिलेबस में, 5/9 ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2g, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यानी ग्राउंड से टोटल कितनी हाइट हो गई उसकी, देखिए ग्राउंड से 5l/3 ऊपर जा करके तो आपने प्रोजेक्टाइल किया, मतलब 5l/3 हाइट तक तो सर्कुलर मोशन कर रहे थे, 5l/3 हाइट तक तो हम सर्कुलर मोशन कर ही रहे थे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं आपने, तो टोटल मैक्सिमम हाइट पैराबोला का कितना हुआ ग्राउंड से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट होगी यहां पर, जो भी कैलकुलेशन होगी इसकी तुम लोग के हिसाब से, जो भी यहां पर कैलकुलेट हो रहा आंसर, 2gl/5l/27 और ये 5l/3 में ऐड करूं, क्योंकि 5l/3 इतनी हाइट तक तो हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे और आगे कुछ और हाइट तक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे। तो पैराबोला की हाइट भी सर, पैराबोला थोड़ा टिल्टेड बन रहा है तो एच मैक्स भी थोड़ा एंगल पे नहीं होगा ग्राउंड, टिल्टेड कहाँ बन रहा है पैराबोला, टिल्टेड कहाँ बन रहा है, टिल्टेड इन द सेंस सर जैसे ग्राउंड से हम एक लेवल पे लेके चलते हैं वैसे वर्टिकल सर्कल में तो नहीं। तो सुनो सुनिए, तो आप यहीं पर ग्राउंड मान लो ना, यहीं पर ग्राउंड मान लो, ऐसे मान लो कि यहां से प्रोजेक्टाइल हो रहा, चलो इसको एक लाइन खींच लो, इसको ग्राफ सर, बट उसके बाद भी तो हो रहा है, तो आप इसी इस लेवल के वो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो उस रेफरेंस के ही करते हैं जहां से वो स्टार्ट हुआ है पैराबोला, प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां की हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर जा रहा है यही तो निकाल रहे हैं। यस सर, वही हो रहा है सर। मैं तो इसीलिए सब कुछ हाइट के फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, एंगल के फॉर्म में करते तो और कंफ्यूजन पे आते आप ही। आप लोग सही चल रहा है अच्छा, और देखो बता रहे अभी आपको और कुछ करके दिखाते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा बस, ये आज करेंगे एक और है, ये तो बट हालांकि डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जेई का, नन तो इसमें एक जेई का एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है बट वैसे समझा दे रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि एक बॉडी को हमने यहाँ पर कुछ वेलोसिटी दी, बॉटम पॉइंट पर हमने इसको क्या किया, कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, यू पता नहीं कितनी वेलोसिटी है लेकिन कुछ वेलोसिटी है, और ये कुछ देर तक तो सर्कुलर मोशन किया इसने, क्वेश्चन है कि कुछ देर तक सर्कुलर मोशन किया
और यहां पर कहीं जाकर के उसने अपना सर्कुलर मोशन स्टॉप कर दिया. सर्कुलर स्टॉप्स, पैराबोला स्टार्ट्स. और फिर उनका यह कहना था कि जब पैराबोला बना तो वो पैराबोला जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो गया. जिससे ये टीवी का एग्जांपल दिया था. हाँ हाँ, कि ये पैराबोला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है तो बताओ यू कितना होगा. ये एचसीवी का हाँ सॉल्ड एग्जांपल भी है लास्ट वाला, कि बीच में कहीं जा करके सर्कुलर मोशन बंद करके और पैराबोलिक चालू हो गए और सर्किल जहां से स्ट्रिंग को सस्पेंड किया था वहीं से पास हो गए. तो सर सर प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसको पास करवा सकते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. तो देखो पॉइंट बचा वो है, देखिए हमारा ये है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे को ना टाइम बचे तो दो चीजें आपको थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचनी है. पहली बात कितनी हाइट पर ये हो रहा है ना, ये हाइट और यहाँ पर क्या स्पीड है और प्लस ये क्या एंगल है, ये तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं. कितनी हाइट पर पैराबोला स्टार्ट हो रहा है ये निकालना होता है, उस समय क्या स्पीड है ये निकालना होता है और थीटा क्या है वो निकालना होता है. और ये सब कैसे आएगा तो उसी टेंशन वाले फॉर्मूले से आएगा, एम बाई एल यू स्क्वायर माइनस थ्री जी एच और प्लस जी एल, उठा करके इसको जीरो करेंगे तो सबसे पहले मेरे को हाइट मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ से हाइट मिल जाएगा, हाइट मिलते ही हमको वी मिल जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एच. और ये जो हाइट हमने कैलकुलेट करी है इससे हम थीटा भी निकाल सकते हैं. मैं सब कुछ थीटा के फॉर्म में रख सकता हूँ, एंगल थीटा भी हाइट के फॉर्म में रख सकते हैं. क्योंकि कैसे, ये जो हाइट आपने निकाली हुई है ना, ये अगर आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसको मिला दो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आपका h माइनस आर है या h माइनस एल है, क्योंकि h इस बार ग्राउंड से लिया है मैंने और ये डिस्टेंस l है. तो हम चाहें तो cos ऑफ थीटा को भी लिख सकते हैं h माइनस एल डिवाइडेड बाय l. कहने का मतलब है कि ये सब कुछ हाइट के फंक्शंस में आएंगे, टेंशन भी हाइट के फॉर्म में है, स्पीड भी हाइट के फॉर्म में है, एंगल भी हाइट के फॉर्म में. ये पॉइंट्स क्लियर हो आपको? पहले दो रिजल्ट तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो याद ही हो गए होंगे, 8-10 न्यूमेरिकल कर चुके तो पहले दो रिजल्ट तो अब याद हो जाएंगे आपको. बोले ठीक है यहाँ तक? यस यस. अब आखिरी पार्ट पर आओ, क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल वाली कहानी पर आओ. तो इसको जरा अलग से देखो, जहां से प्रोजेक्टाइल चालू कर रहे हैं वो स्पीड वी है और वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है तो थीटा पर, और वो प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो सस्पेंशन पॉइंट है ओ. तो प्रोजेक्टाइल वाली थ्योरी लगाएंगे जो भी उन्होंने कहा कि हमें काम करेंगे, जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ वहां से वाई एक्सिस बना देंगे, वहां से एक एक्स एक्सिस बना देंगे और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे. तो ये वाई एक्सिस बना लिया, इसको एक्स एक्सिस बना लिया और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के कोऑर्डिनेट्स, ये डिस्टेंस हमारे पास एल है, ध्यान से देखते हैं अभी, ये डिस्टेंस एल है और वर्टिकल से जो ये एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है. तो अगर हम थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा एल कॉस थीटा है, अगर आप थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो, और ये डिस्टेंस अगर हम थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये एल साइन थीटा है. यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एल साइन थीटा के बराबर लिखा जाएगा और y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा माइनस एल कॉस थीटा के, क्योंकि y एक्सिस ऊपर की तरफ है और एल कॉस थीटा नीचे है. अब क्या करोगे, जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन वो यूज करेंगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगाएंगे. तो इसमें y को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो तो y का मतलब हो जाएगा माइनस एल कॉस थीटा, ये y, x का मतलब l साइन थीटा, टेन थीटा को तो टेन थीटा ही रहने देंगे, माइनस g अगेन x स्क्वायर यानी l साइन थीटा का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 u स्क्वायर, u का मतलब इसे v का स्क्वायर, u मतलब ये v, तो v स्क्वायर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी
फ्रिक्शनल फ्री ये ट्रेजिक्ट्री की इक्वेशन याद रखना जरूरी होता है क्या? नहीं तो फिर आप वो कर लो प्रोजेक्टाइल का एक्स और वाई डायमेंशन की अलग अलग यूटी प्लस आप एटी स्क्वायर लगा लो। ये सर पर फिर भी सर लंबा बहुत पड़ जाता है ये बच्चा, ये टाइम खा लेता है एग्जाम। ये तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है भाई, ये क्वेश्चन तो अगर आप सॉल्व एग्जांपल भी देखोगे तो करीब मेरे ख्याल से 1.5 पेज में तो उन्होंने भी सॉल्व किया है, और बुक्स वाले तो आधे स्टेप तो ऐसे लिख देते हैं, बट ये टाइम टेकिंग है, मानता हूँ मैं इसमें कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है इसमें एक तो इक्वेशन बन रही है, अभी इतना आसान नहीं है ये। देखिए क्यों नहीं आसान है, देखो कई रीजंस हैं इस क्वेश्चन के कि ये आसान क्यों नहीं बन रहा है हमारे लिए। इसमें डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एच बी है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट हम एक काम करने जा रहे हैं यहां पर, कुछ लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैंने क्या लिखा है, पहले उसको फिर से बता दे, बातों बातों में मेरे ख्याल से ये लोग कंफ्यूज कर गए। ये यहाँ पर कौन सी चीज लिखी है, एक्चुअल में यहाँ पर जो यू स्क्वायर है ना, इस यू स्क्वायर का मतलब होता है बिगिनिंग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ जो इनिशियल होती है पैराबोला की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कुछ लोग को ये होता है क्योंकि हमने यहाँ पर यू लिख दिया, तो कुछ लोग इस वाले यू को ना समझ लें कि जो यहाँ रखा है ये वाला यू नहीं है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में जो यू लिखते हो उसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया है उस समय की वेलोसिटी यानी वी, और वो है यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो उसको मैंने रिप्लेस किया यहाँ पर। मतलब कुछ लोग ये समझेंगे कि वो यू स्क्वायर में माइनस टू जी एच क्यों लिख दिया मैंने भाई, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सिंबल्स की वजह से, बट समझना होगा हमें। अब टेंशन फोर्स को हमने जीरो किया था ना, टेंशन फोर्स को जीरो किया था, आसान नहीं सॉल्व करना टेंशन को, जब जीरो करेंगे यानी ये पूरी चीज जीरो है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी जी एल थ्री जी एच माइनस जी एल, ये यू स्क्वायर की वैल्यू बनी टेंशन को जीरो करके। तो टेंशन को जीरो करने के बाद यू स्क्वायर बना हमारा थ्री जी एच माइनस जी एल, ये हम डिनोमिनेटर में रिप्लेस करने जा रहे हैं हम, मतलब यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच में हम यू स्क्वायर को रिप्लेस करने जा रहे हैं थ्री जी एच माइनस जी एल से, तो क्या बन जाएगा पूरा, अगर यहाँ पर मैं थ्री जी एच माइनस जी एल कर दूँ तो डिनोमिनेटर में पूरी चीज क्या बन जाएगी हमारी, यू स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए थ्री जी एच माइनस जी एल से, क्या बन जाएगा यहाँ पर पूरा GH minus GL ना, तो G कॉमन हो जाएगा, G कॉमन होगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वो न्यूमरेटर वाले G से कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपके पास यहाँ सिर्फ H माइनस L बचा, H माइनस L बचा, हाँ, वो cos square में भी H माइनस L है, और H माइनस L को L cos theta कर दे, L cos theta लिख सकते, तो डिनोमिनेटर में इसके अगले स्टेप पर, अब मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ लेकिन तुम लोग को अपने कॉपी में देखना होगा, अगले स्टेप पर ये H माइनस L हटा देंगे, और अगले स्टेप पर ये H माइनस L हट करके L cos थीटा यानी यहाँ cos क्यूब थीटा हो जाएगा कुल मिला करके आपका, तो अब इस पूरे इक्वेशन से L चला जाएगा, सिर्फ थीटा की इक्वेशन बनेगी और थीटा सॉल्व करना पड़ेगा आपको पहले, फिर सारे आंसर उसके हिसाब से मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इतना आसान नहीं है ना, बता तो रहे आपसे, एक तो पहले फिजिक्स लगाओ उसके बाद मैथ, और मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो फिर भी सॉल्व हो जाती है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस क्यूब साइन टेन तीनों तो दिख रहे हैं इसके अंदर, और कुल मिलाकर के अगर ये एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आप ये सोचो कि ये क्या मतलब मेंटल स्टेज होगी इस टाइम पर, माइंडसेट यही करेगा कि यार क्विट कर दो इस क्वेश्चन को। सर ये लास्ट में करें मतलब ऐसा भी लगता
भाई लेंथी क्वेश्चंस है ना. हाँ मतलब खिचड़ी बनी हुई है, मतलब फिजिक्स भी, मैथ भी, प्रोजेक्टाइल भी, उसी में ट्रिग्नोमेट्री भी घुस गई है. मतलब जो ये क्वेश्चन फिर तो एडवांस में आएगा. अब आएगा कि नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ लेवल तो वही है. पर सर अगर इसी में वैल्यूज दे देंगे दो तीन की तो आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो आप लोग. सिंबल्स सर वही के वही निकल जाएंगे सर. 37 डिग्री दे दे सबसे बढ़िया है. हाँ ये भी हो सकता है. चलो देखो आगे. अच्छा एक क्वेश्चन बचा है, देखो आप जल्दी खत्म कर देते हैं इसको ना. एक सर सर पिछले वाले क्वेश्चन में x कंपोनेंट जो वो नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि थर्ड वो बनना है. थर्ड नहीं होता. देखिए प्रोजेक्टाइल का एक और कंडीशन लगा दूं आपको. जब आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगाइएगा तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि पॉजिटिव x डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लिया जाता है. मतलब प्रोजेक्टाइल अगर लेफ्ट साइड पर फेंका है तो लेफ्ट. ये भी एक रूल है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में है. प्रोजेक्टाइल लेफ्ट साइड जा रहा तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव x होगा, राइट साइड फेंकोगे तो राइट साइड पॉजिटिव एक्स होगा. इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं बच्चे, बताओ और पूछो पूछो. ये दो क्वेश्चंस हैं यार, दो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है ना कि आप लेफ्ट वाली फिगर देखोगे तो इसमें एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और कैपिटल F करके ना विंड की वजह से फोर्स आ रही है, हवा चल रही है और हवा की वजह से एक फोर्स F लग रही है. और ये पेंडुलम स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था, हवा की वजह से कैपिटल F लग रही है और कैपिटल F कॉन्स्टेंट है. क्वेश्चन में लिखा है विंड एग्जर्टिंग कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F is blowing from left to the right. Ball is released from the rest so that the maximum height reached by the ball. ये है प्रूफ करना है आपको कि मैक्सिमम हाइट ये होगा. पहली बात मैक्सिमम हाइट की कंडीशंस क्या होंगी. मैक्सिमम हाइट का मतलब बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती अगर, तो मैक्सिमम हाइट क्या लिखेंगे उस टाइम पर, स्पीड क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे जाकर के. स्पीड अगर जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर. ठीक है तो भी जीरो हो गया. और बॉडी जब स्टार्ट हुई थी तब क्या वेलोसिटी थी? जीरो थी, जीरो ही थी सर. तो पहले भी जीरो काइनेटिक एनर्जी, बाद में भी जीरो काइनेटिक एनर्जी. यहां लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाए, लगाओ दैट वर्क बाय ऑल फोर्सेस में चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ऑल में है क्या क्या, तो वर्क बाय कैपिटल एफ, वर्क बाय ग्रेविटी और वर्क बाय टेंशन. ये तीन ही फोर्स है. चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि जीरो स्पीड से जीरो स्पीड हो गए. कैपिटल एफ हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ग्रेविटी हमारी वर्टिकल फोर्स है. टेंशन से कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका वर्क होता नहीं. कैपिटल एफ का वर्क निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी ये लेंथ, अगर हम थीटा के फॉर्म में देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सर एल साइन थीटा, एल साइन थीटा है. और ग्रेविटी के केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये ऊपर कितना गए क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा. और वो नेगेटिव वर्क भी होगा, ग्रेविटी का वर्क माइनस होगा क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है और मोशन अपवर्ड है. हॉरिजॉन्टल वाली जो आएगी वो आएगी एल साइन थीटा और इक्वल टू जीरो, बस इतना करिएगा. और थीटा को एच के फॉर्म में कैसे रिप्लेस करोगे देखो, तो वो एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा हमारे लिए इस तरीके का, जहां पर ये थीटा एंगल है, ये पोर्शन हमारा L माइनस H है, ये पोर्शन L है. तो यहां से हम साइन थीटा और कॉस थीटा सब रिप्लेस करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा की. कॉस ऑफ थीटा तो डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को, L माइनस H डिवाइडेड बाई L है. और साइन थीटा रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से निकालोगे. जैसे भी करोगे मतलब साइन थीटा कॉस थीटा सब आ जाएंगे और फिर जाकर के ये प्रूफ हो जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा, ये आंसर प्रूफ हो जाएगा.
तो स्टेप लिख लो, अभी टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, बट अदरवाइज ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और पूछा है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो अब जो पूछा है उसकी तगड़ी इंपॉर्टेंस है, लास्ट पॉइंट पर आ गए हम लोग। इन्होंने यहाँ पर एक और पूछा है पॉइंट सी में, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट पूछी है और ये इक्विलिब्रियम हाइट पूछी है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम हाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट इक्विलिब्रियम हाइट के बाद आएगा, तो क्या करेंगे, लगाएंगे क्या? जैसे मैक्सिमम हाइट पर मतलब उस पॉइंट पे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ए जीरो, इक्विलिब्रियम हाइट जीरो, एक्सेलरेशन कैसे बैलेंस हो जाए, फोर्सेस बैलेंस करने होते हैं, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बैलेंस करनी होती है, वेलोसिटी को जीरो करना, बैलेंस नहीं सॉरी वेलोसिटी को जीरो करना होता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जानते हो कहां पर होगा ये? तो ये बताओ, अब ये कंसेप्ट बस थोड़ा सा करिएगा, ये पेंडुलम यहां पर था एम मास का, सस्पेंडेड था यहां से, इसमें एक विंड की फोर्स लग रही थी और एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी एम जी उसके अलावा, तो ये क्या होगा, ये पेंडुलम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो विंड वाली फोर्स कैपिटल एफ और ग्रेविटी वाली फोर्स एम जी, ये दोनों इस तरीके से होने चाहिए कि इनका जो रिजल्टेंट हो वो टेंशन से बैलेंस है, राइट? जब एम जी और एफ का रिजल्टेंट, एम जी और एफ का रिजल्टेंट टेंशन के अपोजिट आने लगे, मतलब रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एफ अपोजिट टू टी आना चाहिए, मतलब टेंशन इस तरफ लगे और ये इस तरफ लगे, तो ये कह सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम होता है। और अब जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, तो इक्विलिब्रियम पर mg और f का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताएं? यस सर, निकाल सकते हैं, यस सर। कितना सर? रूट ऑफ mg, सर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अच्छा, और उसको मास से डिवाइड कर दूं, ये हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर, कांसेप्ट है g इफेक्टिव, इसको कहा जाता है इफेक्टिव ग्रेविटी। मतलब कि पेंडुलम्स पर अगर ग्रेविटी के अलावा किसी भी तरीके की और कोई फोर्स लगाई, तो वो और कोई फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास इज लाइक द जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव मतलब एक तरीके से इक्विवेलेंट ग्रेविटी भी कह सकते हैं उसको, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और ये फोर्स जरूरी नहीं है कि विंड की वजह से ही आए, ये फोर्स किसी भी तरीके से ला सकते हो, जैसे जैसे कि अगर हम एक पेंडुलम लें और सस्पेंड करें इसको, और इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एक्सेलरेट करें, जहां से ये सस्पेंडेड है ये चीज एक्सेलरेट की जाए, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पॉइंट है इसका, जहां से उसको हैंग कर रहे हो सस्पेंशन पॉइंट, उसको ही एक्सेलरेट करो, तो उस अब यहां पर और कौन सा फोर्स दिखाओगे आप ग्रेविटी और एमजी के अलावा? मतलब टेंशन तो दिखाओगे ही और एमजी भी दिखाओगे, इसके अलावा क्या दिखाओगे? तो अगर सामने की तरफ सीडो, यस सर, अगर उसके फ्रेम में चले जाएंगे तो उसी के फ्रेम में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मोशन तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के फ्रेम में ही होगा। अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन करना है इसको, सपोज करो, मान लो कि अगर इसको सर्कुलर मोशन करना भी है तो किसके रिलेटिव सर्कुलर होगा ये? तो आपको तो ये बताना ही पड़ेगा कि फ्रेम उसका ही है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक एम ए का स्यूडो फोर्स आएगा, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट नॉन इक्विलिब्रियम है इसका। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? इस समय लोवेस्ट पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट के राइट साइड होगा,
या लोवेस्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड होगा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एमए और एमजी का रिजल्टेंट किधर जाएगा? एमए और एमजी का रिजल्टेंट देखो क्या होगा, जब ये पेंडुलम थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होगा, सर्कल पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड चला जाएगा जब ये, तो ऐसा हो सकता है कि स्यूडो फोर्स एमए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एमजी का रिजल्टेंट टेंशन को बैलेंस करे। और जहां पर ये होगा ना, यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और एक और बात बता दें आपको, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर आपको जो मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी, यू मिनिमम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। नॉर्मली आप रखते हो रूट ऑफ 5GL, हम यहां कह देंगे रूट ऑफ 5G इफेक्टिव GL। यस सर, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायमेट्रिकली अपोजिट टेंशन हो जाएगा जीरो। हाँ, और जी इफेक्टिव निकालने का जो तरीका है, जी इफेक्टिव निकालने का वो तरीका है इस स्यूडो फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स का रिजल्टेंट। तो वो आएगा एमए का स्क्वायर प्लस एमजी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मास, मतलब इसका रूट लेकर के और नीचे मास से डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब कुल मिलाकर के जी इफेक्टिव यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये पॉइंट सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये खतरनाक पॉइंट है। ये खतरनाक पॉइंट मैं बता रहा हूं क्या है, रूट 5GL की वेलोसिटी आपको कहां पर देनी होती है? अब समझिएगा, यहां तक तो हो गया था, लास्ट बॉटम नहीं होता वो, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। यस सर, जहां पर जी इफेक्टिव जी हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वहां पर रूट 5GL की वेलोसिटी देनी होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम बॉटम पॉइंट पर दें। देखिए, अगर सर पहले हमारा सिस्टम स्टेशनरी था तो बॉटम पॉइंट पे देते थे, जब स्टेशनरी नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे देंगे। तो वही तो, आप इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जाओ। मान लो ये एल है, सपोज करो, ठीक है, और हम ये कह दें कि हमारे पास ग्रेविटी तो नीचे लग रही है सपोज करो, और इसमें एक अपवर्ड फोर्स है, किसी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है ना, विंड की वजह से लग रही है। मान लो जैसे पिछले क्वेश्चन में विंड का फोर्स राइट साइड लग रहा था, तो विंड की फोर्स ऊपर भी लग सकती है फिर। तो मान लो ये विंड की फोर्स हमारे लिए 3 mg है, सपोज करो कि ये 3 times mg है, ग्रेविटी से ज्यादा विंड की ताकत है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? देखो, आप ये माइंड से निकालो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बॉटम पर रहता है, पहली बात तो ये कंसेप्ट गलत है। अब आप देखो, बॉटम पर अगर हम फोर्सेस चेक करेंगे तो बॉडी का वेट mg और विंड की फोर्स और टेंशन फोर्स, क्या विंड की फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स का रिजल्टेंट टेंशन को बैलेंस कर सकता है? इनका रिजल्टेंट देखो, इनका रिजल्टेंट ही 2 mg आ रहा, वो भी ऊपर की तरफ, तो टेंशन के साथ जा रहा, बैलेंस कैसे करोगे? लेकिन टॉप पॉइंट पे जाओ, टॉप पॉइंट पर टेंशन नीचे, बॉडी का वेट mg नीचे, विंड की फोर्स ऊपर 3 mg, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम टॉप पॉइंट पर ये दोनों मिल करके टेंशन को बैलेंस कर दे? पॉसिबल है या नहीं है? यस सर, ये रिजल्टेंट 2 mg ऊपर जा रहा है, टेंशन के अपोजिट रिजल्टेंट कहां जा रहा है ये देखिए आप, कौन से पॉइंट पर रिजल्टेंट टेंशन के अपोजिट है? जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट टेंशन के अपोजिट है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहां पर रूट 5GL चाहिए आपको, इस पॉइंट पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन पूरी करनी है तो यहां पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपकी रूट 5GL होनी चाहिए, और उसमें भी जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना है यहां पर, तो जो रिजल्टेंट फाइंड आउट किया गया है इसको मास से डिवाइड करो मास से, 2G
2g, यानी कि रूट 10 gl चाहिए ऊपर, ऊपर आपको रूट 10 gl की स्पीड चाहिए टॉप पॉइंट पर। तो अब बताओ बॉटम पॉइंट पर क्या स्पीड दोगे? ये कंसेप्ट फिर बोल रहा हूं आपसे, सर्कुलर मोशन करने की मिनिमम स्पीड रूट 5 gl चाहिए, लेकिन कहां पर चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। बॉटम पर चाहिए, टॉप पॉइंट पर चाहिए, या किसी और पॉइंट पर चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि पेंडुलम पर और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। अगर ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है तो रूट 5 gl की स्पीड आप टॉप पॉइंट, आप बॉटम पॉइंट पर दें। बट अगर ग्रेविटी के साथ कुछ और फोर्सेस काम कर रही हैं, विंड की फोर्स, स्यूडो फोर्स, लिक्विड में डाल देंगे तो बॉयंसी की फोर्स, चार्ज डाल देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स, किसी भी तरीके की फोर्स अगर ग्रेविटी के साथ और लग रही होगी, तो फिर हमको पहले वो पॉइंट सर्च करना पड़ता है जहां पर रिजल्टेंट फोर्सेस टेंशन के अपोजिट जा रही है। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स टेंशन फोर्स के अपोजिट चला जाएगा उसे ही हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रूट 5 g इफेक्टिव इंटू एल की वेलोसिटी होनी चाहिए। अब बॉटम पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है, ये दिमाग से निकाल देना कि हाँ बच्चा, ये आप 14 gl, एक मिनट बच्चा, ये दिमाग से निकाल दो कि बॉटम पर रूट 5 gl चाहिए ना। जनरल केसेस में बॉटम पर रूट 5 gl चाहिए होती है, बट प्रॉपर तरीके से बात करेंगे तो रूट 5 gl उस जगह पर चाहिए होती है जो उसको आप इक्विलिब्रियम कह सकते हो, और हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट टॉप पर चला जाए, हो सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट बॉटम पर हो। तो बॉटम वाली स्पीड अब निकालने के लिए ना हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बॉटम से टॉप तक जाते समय, बॉटम टू टॉप कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज की हमने, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन लगा दो, तो हाफ एम टॉप पॉइंट पर पहुंच करके वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया है 10 gl, बॉटम पॉइंट पर यू स्क्वायर और वर्क डन। तो बॉटम से टॉप जाते समय हमने 12 का डिस्प्लेसमेंट किया ना वर्टिकल डायरेक्शन में, और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 2 mg लग रहा था ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स 2 mg ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ 12 का डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज द वर्क डन चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अभी देखो इससे यू कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको, मेरे ख्याल से रूट 2 gl आएगा आंसर, यू की वैल्यू। आएगी? हाँ सर, रूट 2 gl। यस सर, रूट 2 gl लग रही है। इसे ये ध्यान रखें ना, कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट है ये। उस पॉइंट पर रूट 5 gl हो जाए स्पीड जहां पर आप इक्विलिब्रियम पर हो। और इक्विलिब्रियम कहां पर होगा वो डिपेंड करता है कि फोर्सेस कौन कौन से लग रही हैं। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहोगे जहां पर टेंशन के अपोजिट कोई रिजल्टेंट फोर्स आए। एक ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये सेल्फ करने के लिए हुआ है, और ये दूसरा क्वेश्चन ये पैग वाला है, ये एचसीबी में भी है और वैसे भी है, तो दो तीन और ये दो इरडो के क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, ये अच्छे क्वेश्चन थे, सेलेक्ट करके डाले मैंने 1.85 और 1.86 इरडो के, तो इसके आंसर मिल जाएंगे। और एक पांचवा हमारा वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है विद स्प्रिंग, ग्रेविटी स्प्रिंग दोनों लग रहे हैं और बीड है ना। तो ये कुछ कौन सी प्रॉब्लम सर बोले, ये लिखा हुआ है इसमें देखो 1.86 लिखा है कट करके, और ये 1.85, ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्लासिकल क्वेश्चंस में आते हैं, स्प्रिंग वाला भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक ये। अब ये वही क्वेश्चन हो गए जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर क्या स्पीड दोगे ताकि सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर,
नो सर तो हम यहाँ रूट फाइव जीएल थोड़ी दे देंगे ये वही क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम स्पीड विथ विच द स्मॉल ऑब्जेक्ट ए मस्ट बी प्रोजेक्टेड डाउन टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन अगर ये एक स्ट्रिंग है तो और अगर ये वायर है तो स्ट्रिंग है तो रूट फाइव जीएल कहां पे होना चाहिए किस पॉइंट पर है ना तो रूट फाइव जीएल होना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट और इसमें नॉर्मल इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा इसमें ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है सर बॉटम बॉटम पॉइंट तो इसका मतलब पॉइंट ए पर इतनी स्पीड दे दो ताकि बॉटम पर रूट फाइव जीएल हो जाए और ये करने के लिए आप वो कंसेप्ट लगाओ ना नीचे आते समय v is equal to u square minus 2gh की जगह u square plus 2gh तो दिस रूट 5gl should be equal to root of ऊपर u square और से नीचे आए हैं तो plus 2g और कितनी हाइट नीचे आ गए वहां से कितना हाइट नीचे आ गए हम लोग सर तो, l हाइट तो बताओ u कितना होना चाहिए u कितना होना चाहिए निकल जाएगा रूट 3gl रूट थ्री जी एल यस सर यानी यहाँ पर रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री जी एल और हाँ तो यहाँ रूट थ्री जी एल वेलोसिटी दे दो अपने आप यहाँ रूट फाइव जी एल हो जाएगा स्ट्रिंग के केस में वायर के केस में यहाँ रूट फाइव नहीं रखेंगे रूट फोर जी एल रूट फोर जी एल मैं ये कर सकते हैं आसान हो जाएगा और ये एच सी वी की एक प्रॉब्लम है जो बड़ी खतरनाक है लास्ट की ये करनी है इसको हम लोग मैंने सोचा तो था कि इसको करेंगे डिस्कस लेकिन हो नहीं पाया और 63 और 64 ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये इस असाइनमेंट के साथ ही अभी आपको भेज देंगे बिकॉज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंप्लीट पैकेज है ये थ्योरी प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशंस और अच्छे अच्छे बुक्स का कलेक्शंस बस किसी भी टाइम पर रिवाइज करना हो तो इतना रिवाइज कर लीजिए आप ओके सर ठीक है जी ओके सर यस सर वो 63 और 64 डिस्कस करेंगे आप लोग ट्राई कर चुके उसको यस सर हमने ट्राई किया था सर 64 हो गया था 63 नहीं हो रहा था सर बहुत ट्राई किया चेन वाला यस सर ये वाला नहीं हो रहा था ये तो खतरनाक है अभी चलिए कर लेंगे अगली बार डिस्कस कर लेंगे 64 हो गया था हाँ सर वो हो गया था ठीक है चलिए फिर बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे